साल 2022 में रिलीज हुई मोहनलाल सर की एक बेहतरीन मलयालम लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी मॉन्स्टर हिंदी वर्जन में देखने के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है मोहनलाल सर की इस मूवी को लेकर, और पिछले टाइम लोगों ने भी कमेंट करके पूछ रहे थे हमें ये मूवी की हिंदी प्रीमियर देखने के लिए। जैसे कि आप सभी को हम इस मूवी के प्रीमियर रिलीज के बारे में अपडेट देना पसंद करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, मूवी के अंदर लीड कास्ट में मोहनलाल के साथ होनी रोज, लक्ष्मी मंशू, सदीप नैर और स्वस्तिक जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। 4.4 की रेटिंग मिली हुई थी इस मूवी को। एक एक्शन मूवी को विकेश डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। 21 अक्टूबर पर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था। एक बेहतरीन मूवी आप सभी कह सकते हो। डायरेक्टर अश्विंदर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने भी इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करके काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी खासी मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुके थे। आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइट हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है। पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये मूवी वायरल होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट हम देने लगे हैं, और आप सभी को भी ये मूवी काफ़ी खासा एक्साइटिंग लगने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए, मॉन्स्टर मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक मलयालम लगेज के एक्शन थ्रिलर मूवी जिसको लिखा है उत्तर कृष्णा ने और प्रोड्यूस किया है एंथोनी सर ने। जैसे कि आप सभी को बताया कि मोहनलाल सर पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। उनकी मूवीज 2018 की आदि, 2016 की उपम, 2016 की पुलिमगरम और 2017 की, जो कि उसी टाइम उनकी काफ़ी तेज़ी से मूवी आ गई थी, और उन मूवीज़ को हिंदी के साथ साथ भी काफ़ी सारे लैंग्वेज में प्रीमियर कर दिया जा रहा था, और यह सब मूवी ऑलरेडी हिंदी वर्जन में आ चुकी है। आप लोगों में से कन कन मलयालम लैंग्वेज की मूवी को ज़्यादा पसंद करती हो, आप हमें बताइए कि दोस्तों पिछले टाइम KGF चैप्टर, और दोस्तों आप सभी को पता है कि काफ़ी सारी मूवी कन्नड़ लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज या फिर तेलुगु लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कर रही थी, और वो सब मूवी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी मूवी देखना पसंद है और किस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक करके बताइए। 2017 में विशाल सर के साथ मोहनलाल एक कोलैबोरेशन नई मूवी आ रही थी जिसमें हंसिका एज अ लीड कास्ट काम कर रही थी। आप लोगों में से कौन कौन इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और इस तरह के मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रहा था। मॉन्स्टर मूवी जिसके 2022 पर रिलीज करने की बात चल रही थी, और एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी जिसको हाल ही में ही काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा हिंदी वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क एक बेहतरीन सिनेमा की नेटवर्क बन चुकी है जिसने पिछले टाइम काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी को प्रीमियर में लेकर आ चुकी है। एक मॉन्स्टर मूवी को हिंदी में प्रीमियर करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इस मूवी का राइट्स था, और पिछले टाइम इस मूवी को लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे देखने के लिए हिंदी में, जिसके दौरान आप सभी को इस मूवी के रिलीज, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए आप सभी को हम बता चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों अब फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है। मॉन्स्टर मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर आप देख पाओगे। एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ रिलीज अपडेट काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था, और इस मूवी के एक्साइटिंग स्टोरी और इस मूवी के OTT पर भी प्रीमियर कर दिया जा रहा था। मोहनलाल एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी को लेकर इस टाइम इस मूवी के तरफ बढ़ चुके थे। पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्च मिल रहा था इन मूवीज़ को लेकर, और लोगों को ये सब मूवी देखना था, जिससे दौरान आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट देने लगे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, साथ ही साथ मॉन्स्टर की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों हिंदी डब 2022 की ये मूवी को लोगों ने देखना पसंद कर रहे थे, और जिसके दौरान आप सभी को मॉन्स्टर एज अ लीड कास्ट मोहनलाल एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके रीज़न से इस मूवी के टीजर और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था, और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने इस मूवी को राइट्स लेकर रखा, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इतनी अच्छी मूवी हो
होने लगी है, क्योंकि दोस्तों डिज्नी प्लस एचडीआर नेटवर्क ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड और अंडरएस्टिमेटेड मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा था। इस टाइम मोहनलाल एज अ लीड कास्टिंग ये सब मूवी के अंदर काम करने लगे, जिसको देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है उनकी ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए भी। आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है। मलयालम लैंग्वेज की बात करो या फिर आप लोगों ने तेलुगु इंडस्ट्री की बात करो, काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है। और वो सब मूवी के अलावा आप सभी को इस टाइम इस तरह के जॉनरा की मूवी को देखने को मिलना और काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के ऑलरेडी चर्चे रहना आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। मॉन्स्टर मूवी डिज्नी प्लस सटीटा नेटवर्क में रिलीज़ करने के बाद फिर से टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था मूवी के क्लिप्स, और लोगों को इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए भी इंतजार था। हम आप सभी को बता दें, ये एक थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी रहने के साथ साथ इस मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे होनी रोज, लक्ष्मी मांचू और सुधीर नायर जैसे एक्टर जो मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। 2021 के इस मूवी को IMDb पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर इस मूवी को देख पाओगे। हॉटस्टार नेटवर्क के साथ साथ काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर इस मूवी को रिलीज़ भी कर दिया जा चुका है। और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्चेस और काफ़ी ज़्यादा इन मूवी के चर्चे रहने के रीज़न से हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज और इस तरह के जॉनर की मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने लगे हैं। और एक बेहतरीन मूवी आप कह सकती हो इस मूवी को देखकर, क्योंकि दोस्तों एक थ्रिलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी अच्छी बात रहती है। और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था, जब ये मूवी को प्रीमियर कर दिया उसके तुरंत बाद लोगों के बारे में अपडेट लेने लगे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में तब इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी देखने को मिला और यूट्यूब चैनल्स पर भी इन मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर दिया गया, ताकि ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने लगी। और दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं, इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो और इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, इस टाइम आप सभी को ये काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग मूवी लगने वाली है। एक बेहतरीन सिनेमा की मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ चर्चे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हो रखा था और लोग इस मूवी को अंडर एस्टिमेट किया गया था। IMDb पर उतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली हुई, उसके बावजूद भी एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चेस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस मूवी के ज़्यादा लंबे समय तक चर्चे देखने को भी मिल जाएगा। हिंदी में इस मूवी को December 2 पर रिलीज़ कर दिया गया था। और दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मूवी को हिंदी में रिलीज़ करने के सबसे बड़े रीजंस की इस मूवी के हिंदी फैन ने काफ़ी लंबे समय तक इस मूवी को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। और इस मूवी के अलावा मोहनलाल सर पिछले टाइम काफ़ी सारे मूवीज़ के अंदर लीड कास्टिंग काम कर चुके हैं, जिनमें से पुलिमारम उनके स्टार्टिंग पे ही अच्छी मूवी बन चुकी है। 2020 की बिग ब्रदर और मास्टरपीस जैसी मूवी के अंदर उनको लीड कास्ट में देख चुके हैं और काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनको ऑलरेडी हिंदी वर्जन में प्रीमियर में लेकर आ चुकी है। और लोग एक्सपेक्ट नहीं करने के कि इतनी लो बजटेड मूवी और इतनी मूवी ने भी नेक्स्ट लेवल की कमाई कर रही है और नेक्स्ट लेवल की लोगों को पसंद भी आ रहा है, और जिसको देखते हुए आप भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे और आप लोगों में से कन-कन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड होते हो। तो दोस्तों आप सभी में ये सब वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी जिसकी हिंदी फिल्में के साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में हम आप सभी को जानकारी करवा रहे हैं। एक बेहतरीन मूवी के अलावा इनको 2018 की मूवी 2021 की मारकरन्स लाइन ऑफ द अरेवेंस मूवी और दृश्यम की दूसरी सिकल वो भी इन्होंने लीड कास्ट किया था। दृश्यम दोस्तों आप सभी को बताया अजय देवगन सर ने हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था, पर दोस्तों वो ओरिजिनली मोहनलाल सर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी रही थी, जिसके सिक्वल रिलीज़ के साथ साथ लोगों को ये मूवी देखना था और लोगों ने भी इंतज़ार किया था ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। हम आप सभी को बता दें, एक बेहतरीन मूवी उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रीमियर कर दिया गया। उनकी काफ़ी सारी मूवी के सक्सेसफुल के रीज़न से लोग इस तरह की मूवी देखना पसंद कर रहे थे। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं कि इस तरह की मूवी आप सभी को देखना पसंद है और इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए आप चाहते हैं एक्साइटेड हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइए, बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर रिलीज में लेकर आना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा और ख़ास भी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके कमेंट करिए। एक मोस्टर
बेहतरीन मूवी होने के सबसे बड़े रीजंस की मूवी की स्टोरी और इस मूवी की कहानी को देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों काफ़ी सारी मलयालम लैंग्वेज की मूवी रिलीज में आने वाली है, काफ़ी सारे अंडर एस्टिमेटेड कैरेक्टर्स और एक्टर्स मूवी के अंदर लीड कास्ट में दिखने को मिल जाएंगे, उसके बावजूद भी ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट में जाने वाली है और आप सभी को भी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लग जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। हिंदी सिनेमा की मूवीज़ के अलावा आप सभी को मलयालम, तेलुगू, तमिल जैसी लैंग्वेज की मूवी ज़्यादा पसंद है या फिर नहीं, आप हमें बता सकते हो। इन दिनों हम आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी के हिंदी रिलीज़ और प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग भी लगने वाला है। हॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ ऑलरेडी रिलीज में आ रही थी, जिसके प्रीमियर के साथ साथ लोगों को काफ़ी सारी नई अपडेट मिला और लोगों ने भी हमें ऑलरेडी बता चुके थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए। और इसी दौरान आप सभी को हम बता चुके हैं ये सब मूवी हिंदी में रिलीज में लेके प्रीमियर में लेके आना, तो आप सभी को काफ़ी सारी मूवी देखने को ऑलरेडी मिल गया था और भी ज़्यादा एक्साइटेड मूवी आप सभी को देखना पसंद है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी देखने को भी मिलने वाला है, मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी और उन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो। दोस्तों सबसे पहले 2020 के बिग ब्रदर और काफ़ी सारी मूवी है जो मोहनलाल सर ने एज एक्शन एक्टर में अवतार में वो नज़र आ चुकी है। साथ ही साथ मोहनलाल सर की काफ़ी सारी हिंदी सिनेमा के फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों उनकी ऑलमोस्ट मलयालम लैंग्वेज की काफ़ी सारी मूवीज़ को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज में लेकर आ चुकी है, जिसके रीज़न से ही उनकी किरदार और प्रीमियर के बारे में लोग चर्चे काफ़ी लंबे समय तक कर रखे थे। और आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी और वो सब मूवी के रिलीज़ अपडेट के बारे में आप सभी को हम जानकारी कराएंगे। आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, क्योंकि दोस्तों थ्रिलर मूवी पिछले लंबे समय तक मोहनलाल एज लीड कास्ट काम कर चुके हैं और साथ ही साथ उनकी कास्टिंग पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को लोगों ने अभी भी पसंद करते हैं। और हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को अभी भी लोगों ने हिंदी में देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को इस टाइम ये सब मूवी प्रीमियर में भी लेकर आ चुके थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और बताइए, इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि दोस्तों ये सब मूवीज़ के अलावा हिंदी सिनेमा पर रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा मूवी साउथ इंडस्ट्री की मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तेज़ी से पसंद कर रहे थे और वो मूवी को लोगों ने पसंद किया था, जिसके रीज़न से आप सभी को इस वीडियो के अंदर भी ये सब मूवी के रिलीज़ और कहानी के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों # मॉन्स्टर हिंदी डब फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। साल 2022 में रिलीज हुई मोहनलाल सर की एक बेहतरीन मलयालम लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी मॉन्स्टर हिंदी वर्जन में देखने के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है मोहनलाल सर की इस मूवी को लेकर और पिछले टाइम लोगों ने भी कमेंट करके पूछ रहे थे हमें ये मूवी की हिंदी प्रीमियर देखने के लिए। जैसे कि आप सभी को हम इस मूवी के प्रीमियर रिलीज के बारे में अपडेट देना पसंद करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, मूवी के अंदर लीड कास्ट में मोहनलाल के साथ होनी रोज, लक्ष्मी मंशू, सदीप नेर और स्वस्तिक जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। 4.4 की रेटिंग मिली हुई थी इस मूवी को। एक एक्शन मूवी को विकेश डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। 21 अक्टूबर पर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था। एक बेहतरीन मूवी आप सभी कह सकते हो। डायरेक्टर अश्विंदर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने भी इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करके काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी खासी मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुके थे। आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है। पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये मूवी वायरल होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट हम देने लगे हैं और आप सभी को भी ये मूवी काफ़ी खास एक्साइटिंग लगने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए, मॉन्स्टर मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक मलयालम लगेज के एक्शन थ्रिलर मूवी जिसको लिखा है उत्तर कृष्णा ने और प्रोड्यूस किया है एंथोनी सर ने। जैसे कि आप सभी को बताया कि मोहनलाल सर पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। उनकी मूवीज 2018 की आदि, 2016 की उपम, 2016 की पुलिमगरम और 2017 की, जो कि उसी टाइम उनकी काफ़ी तेज़ी से मूवी आ गई थी और उन मूवीज़ को हिंदी के साथ साथ भी काफ़ी सारे लैंग्वेज में प्रीमियर कर दिया जा रहा था और ये सब मूवी ऑलरेडी हिंदी वर्जन में
आ चुकी है। आप लोगों में से कनकन मलयालम लैंग्वेज की मूवी को ज़्यादा पसंद करती हो, आप हमें बताइए कि दोस्तों पिछले टाइम KGF चैप्टर, और दोस्तों आप सभी को पता है कि काफ़ी सारी मूवी कन्नड़ लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज या फिर तेलुगु लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कर रही थी, और वो सब मूवी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी मूवी देखना पसंद है और किस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक करके बताइए। 2017 में विशाल सर के साथ मोहनलाल एक कोलैबोरेशन नई मूवी आ रही थी जिसमें हंसिका एज अ लीड कास्ट काम कर रही थी। आप लोगों में से कौन कौन इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और इस तरह के मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक करिए। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चे हो रहा था। मॉन्स्टर मूवी जिसके 2022 पर रिलीज़ करने की बात चल रही थी, और एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी जिसको हाल ही में ही काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर रिलीज़ कर दिया जा चुका है, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा हिंदी वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क एक बेहतरीन सिनेमा की नेटवर्क बन चुकी है जिसने पिछले टाइम काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी को प्रीमियर में लेकर आ चुकी है। एक मॉन्स्टर मूवी को हिंदी में प्रीमियर करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इस मूवी का राइट्स था, और पिछले टाइम इस मूवी को लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए हिंदी में, जिसके दौरान आप सभी को इस मूवी के रिलीज, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए आप सभी को हम बता चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप फाइनली इंतज़ार खत्म हो चुका है। मॉन्स्टर मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर आप देख पाओगे, एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ रिलीज अपडेट काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था, और इस मूवी के एक्साइटिंग स्टोरी और इस मूवी के OTT पर भी प्रीमियर कर दिया जा रहा था। मोहनलाल एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी को लेकर इस टाइम इस मूवी के तरफ बढ़ चुके थे, और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्च मिल रहा था इन मूवीज़ को लेकर, और लोगों को ये सब मूवी देखना था, जिससे दौरान आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट देने लगे। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, साथ ही साथ मॉन्स्टर की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों हिंदी डब 2022 की ये मूवी को लोगों ने देखना पसंद कर रहे थे, और जिसके दौरान आप सभी को मॉन्स्टर एज अ लीड कास्ट मोहनलाल एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके रीज़न से इस मूवी के टीजर और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था, और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने इस मूवी को राइट्स लेकर रखा, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इतनी अच्छी मूवी होने लगी है, क्योंकि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड और अंडरएस्टिमेटेड मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा था। इस टाइम मोहनलाल एज अ लीड कास्टिंग ये सब मूवी के अंदर काम करने लगे, जिसको देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है उनकी ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए भी। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है। मलयालम लैंग्वेज की बात करो या फिर आप लोगों ने तेलुगु इंडस्ट्री की बात करो, काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है, और वो सब मूवी के अलावा आप सभी को इस टाइम इस तरह के जॉनर की मूवी को देखने को मिलना और काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के ऑलरेडी चर्चे रहना आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। मॉन्स्टर मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में रिलीज करने के बाद फिर से टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था मूवी के क्लिप्स, और लोगों को इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए भी इंतज़ार था। हम आप सभी को बता दें ये एक थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी रहने के साथ साथ इस मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे होनी रोज, लक्ष्मी मांचू और सुधीर नायर जैसे एक्टर जो मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। 2021 के इस मूवी को IMDb पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर इस मूवी को देख पाओगे। हॉटस्टार नेटवर्क के साथ साथ काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर इस मूवी को रिलीज़ भी कर दिया जा चुका है, और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्चेस और काफ़ी ज़्यादा इन मूवी के चर्चे रहने के रीज़न से हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज़ और इस तरह के जॉनर की मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने लगे हैं, और एक बेहतरीन मूवी आप कह सकती हो इस मूवी को देखकर, क्योंकि दोस्तों एक थ्रिलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी अच्छी बात रहती है, और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था। जब ये मूवी को प्रीमियर कर दिया उसके तुरंत बाद लोगों के बारे में अपडेट लेने लगे, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में तब इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी देखने को मिला, और यूट्यूब चैनल्स पर भी इन मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर दिया गया, ताकि ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने लगी।
और दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं, इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो और इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, इस टाइम आप सभी को ये काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग मूवी लगने वाली है। एक बेहतरीन सिनेमा की मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ चर्चे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हो रखा था और लोग इस मूवी को अंडर एस्टिमेट किया गया था। IMDb पर उतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली हुई, उसके बावजूद भी एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चेस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस मूवी के ज़्यादा लंबे समय तक चर्चे देखने को भी मिल जाएगा। हिंदी में इस मूवी को December 2 पर रिलीज़ कर दिया गया था और दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मूवी को हिंदी में रिलीज़ करने के सबसे बड़े रीजंस की इस मूवी की हिंदी फैन ने काफ़ी लंबे समय तक इस मूवी को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे और इस मूवी के अलावा मोहनलाल सर पिछले टाइम काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर लीड कास्टिंग काम कर चुके हैं, जिनमें से पुलिमारम उनके स्टार्टिंग पे ही अच्छी मूवी बन चुकी है 2020 की बिग ब्रदर और मास्टरपीस जैसी मूवी के अंदर उनको लीड कास्ट में देख चुके हैं और काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनको ऑलरेडी हिंदी वर्जन में प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और लोग एक्सपेक्ट नहीं करने के कि इतनी लो बजटेड मूवी और इतनी मूवी ने भी नेक्स्ट लेवल की कमाई कर रही है और नेक्स्ट लेवल की लोगों को पसंद भी आ रहा है और जिसको देखते हुए आप भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे और आप लोगों में से कन-कन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड होते हो, तो दोस्तों आप सभी में ये सब वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी जिसकी हिंदी फिल्में के साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में हम आप सभी को जानकारी करवा रहे हैं। एक बेहतरीन मूवी के अलावा इनको 2018 की मूवी 2021 की मरकरन्स लाइन ऑफ द अरेवेंस मूवी और दृश्यम की दूसरी सिकल वो भी इन्होंने लीड कास्ट किया था। दृश्यम दोस्तों आप सभी को बताया अजय देवगन सर ने हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था, पर दोस्तों वो ओरिजिनली मोहनलाल सर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी रही थी, जिसके सिक्वल रिलीज़ के साथ साथ लोगों को ये मूवी देखना था और लोगों ने भी इंतज़ार किया था ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। हम आप सभी को बता दें, एक बेहतरीन मूवी उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रीमियर कर दिया गया, उनकी काफ़ी सारी मूवी के सक्सेसफुल के रीज़न से लोग इस तरह की मूवी देखना पसंद कर रहे थे। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं कि इस तरह की मूवी आप सभी को देखना पसंद है और इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए आप चाहते एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइए बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर रिलीज में लेकर आना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा और ख़ास भी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके कमेंट करिए। एक मोस्टर बेहतरीन मूवी होने के सबसे बड़े रीजंस की मूवी की स्टोरी और इस मूवी की कहानी को देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों काफ़ी सारी मलयालम लैंग्वेज की मूवी रिलीज़ में आने वाली है, काफ़ी सारे अंडर एस्टिमेटेड कैरेक्टर्स और एक्टर्स मूवी के अंदर लीड कास्ट में दिखने को मिल जाएंगे, उसके बावजूद भी ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट में जाने वाली है और आप सभी को भी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लग जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। हिंदी सिनेमा की मूवीज़ के अलावा आप सभी को मलयालम, तेलुगू, तमिल जैसी लैंग्वेज की मूवी ज़्यादा पसंद है या फिर नहीं, आप हमें बता सकते हो। इन दिनों हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के हिंदी रिलीज़ और प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग भी लगने वाला है। हॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ ऑलरेडी रिलीज में आ रही थी, जिसके प्रीमियर के साथ साथ लोगों को काफ़ी सारी नई अपडेट मिला और लोगों ने भी हमें ऑलरेडी बता चुके थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, और इसी दौरान आप सभी को हम बता चुके हैं ये सब मूवी हिंदी में रिलीज़ में लेके प्रीमियर में लेके आना, तो आप सभी को काफ़ी सारी मूवी देखने को ऑलरेडी मिल गया था और भी ज़्यादा एक्साइटेड मूवी आप सभी को देखना पसंद है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी देखने को भी मिलने वाला है, मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी और उन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो दोस्तों सबसे पहले 2020 के बिग ब्रदर और काफ़ी सारी मूवी है जो मोहनलाल सर ने एज एक्शन एक्टर में अवतार में वो नज़र आ चुकी है, साथ ही साथ मोहनलाल सर की काफ़ी सारी हिंदी सिनेमा के फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों उनकी ऑलमोस्ट मलयालम लैंग्वेज की काफ़ी सारी मूवीज़ को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज में लेकर आ चुकी है, जिसके रीज़न से ही उनकी किरदार और प्रीमियर के बारे में लोग चर्चे काफ़ी लंबे समय तक कर रखे थे। और आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी और वो सब मूवी के रिलीज़ अपडेट के बारे में आप सभी का हम जानकारी कराएंगे। आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा
कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, क्योंकि दोस्तों थ्रिलर मूवी पिछले लंबे समय तक मोहनलाल एज लीड कास्ट काम कर चुके हैं और साथ ही साथ उनकी कास्टिंग पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को लोगों ने अभी भी पसंद करते हैं। और हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को अभी भी लोगों ने हिंदी में देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को इस टाइम ये सब मूवी प्रीमियर में भी लेकर आ चुके थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि दोस्तों ये सब मूवीज़ के अलावा हिंदी सिनेमा पर रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा मूवी साउथ इंडस्ट्री की मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तेज़ी से पसंद कर रहे थे और वो मूवी को लोगों ने पसंद किया था, जिसके रीज़न से आप सभी को इस वीडियो के अंदर भी ये सब मूवी के रिलीज और कहानी के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों #monster मॉन्स्टर हिंदी डब फुल मूवी लिख के कमेंट करिएगा। साल 2022 में रिलीज हुई मोहनलाल सर की एक बेहतरीन मलयालम लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी मॉन्स्टर हिंदी वर्जन में देखने के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है मोहनलाल सर की इस मूवी को लेकर और पिछले टाइम लोगों ने भी कमेंट करके पूछ रहे थे हमें ये मूवी की हिंदी प्रीमियर देखने के लिए। जैसे कि आप सभी को हम इस मूवी के प्रीमियर और रिलीज के बारे में अपडेट देना पसंद करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें मूवी के अंदर लीड कास्ट में मोहनलाल के साथ होनी रोज, लक्ष्मी मंशु, सदीप नैर और स्वस्तिका जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। 1.4 की रेटिंग मिली हुई थी इस मूवी को। एक एक्शन मूवी को विकेश डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। 21 अक्टूबर पर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था। एक बेहतरीन मूवी आप सभी कह सकते हो। डायरेक्टर अश्विंदर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने भी इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करके काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी खासी मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुके थे। आप लोगों में से कौन-कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है। पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये मूवी वायरल होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट हम देने लगे हैं और आप सभी को भी ये मूवी काफ़ी खास एक्साइटिंग लगने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करिए मॉन्स्टर मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक मलयालम लैंग्वेज के एक्शन थ्रिलर मूवी जिसको लिखा है उत्तर कृष्णा ने और प्रोड्यूस किया है एंथोनी सर ने। जैसे कि आप सभी को बताया कि मोहनलाल सर पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। उनकी मूवीज 2018 की आदि, 2016 की उपम, 2017 की पुलिमगरम और 2017 की, जो कि उसी टाइम उनकी काफ़ी तेज़ी से मूवी आ गई थी और उन मूवीज़ को हिंदी के साथ साथ भी काफ़ी सारे लैंग्वेज में प्रीमियर कर दिया जा रहा था और ये सब मूवी ऑलरेडी हिंदी वर्जन में आ चुकी है। आप लोगों में से कन कन मलयालम लैंग्वेज की मूवी को ज़्यादा पसंद करती हो, आप हमें बताइए कि दोस्तों पिछले टाइम KGF चैप्टर और दोस्तों आप सभी को पता है कि काफ़ी सारी मूवी कनाडा लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज या फिर तेलुगु लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कर रही थी और वो सब मूवी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी मूवी देखना पसंद है और किस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक करके बताइए। 2017 में विशाल सर के साथ मोहनलाल एक कोलैबोरेशन नई मूवी आ रही थी जिसमें हंसिका एज अ लीड कास्ट काम कर रही थी। आप लोगों में से कौन कौन इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और इस तरह के मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हो? सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रहा था। मॉन्स्टर मूवी जिसके 2022 पर रिलीज करने की बात चल रही थी और एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी जिसको हाल ही में ही काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर रिलीज़ कर दिया जा चुका है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा हिंदी वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क एक बेहतरीन सिनेमा की नेटवर्क बन चुकी है जिसने पिछले टाइम काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी को प्रीमियर में लेकर आ चुकी है। एक मॉन्स्टर मूवी को हिंदी में प्रीमियर करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इस मूवी का राइट्स था और पिछले टाइम इस मूवी को लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे देखने के लिए हिंदी में, जिसके दौरान आप सभी को इस मूवी के रिलीज, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए आप सभी को हम बता चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों आप
फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है मॉन्स्टर मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर आप देख पाओगे। एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ रिलीज अपडेट काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था और इस मूवी के एक्साइटिंग स्टोरी और इस मूवी के OTT पर भी प्रीमियर कर दिया जा रहा था। मोहनलाल एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी को लेकर इस टाइम इस मूवी के तरफ बढ़ चुके थे और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्च मिल रहा था इन मूवीज़ को लेकर और लोगों को ये सब मूवी देखना था, जिससे दौरान आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट देने लगे। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, साथ ही साथ मॉन्स्टर की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों हिंदी डब 2022 की ये मूवी को लोगों ने देखना पसंद कर रहे थे और जिसके दौरान आप सभी को मॉन्स्टर एज अ लीड कास्ट मोहनलाल एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके रीज़न से इस मूवी के टीजर और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने इस मूवी को राइट्स लेकर रखा, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इतनी अच्छी मूवी होने लगी है। क्योंकि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड और अंडरएस्टिमेटेड मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा था। इस टाइम मोहनलाल एज अ लीड कास्टिंग ये सब मूवी के अंदर काम करने लगे, जिसको देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है उनकी ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए भी। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है। मलयालम लैंग्वेज की बात करो या फिर आप लोगों ने तेलुगु इंडस्ट्री की बात करो, काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है और वो सब मूवी के अलावा आप सभी को इस टाइम इस तरह के जॉनरा की मूवी को देखने को मिलना और काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के ऑलरेडी चर्चे रहना आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। मॉन्स्टर मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में रिलीज़ करने के बाद फिर से टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था मूवी के क्लिप्स और लोगों को इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए भी इंतजार था। हम आप सभी को बता दें ये एक थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी रहने के साथ साथ इस मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे होनी रोज, लक्ष्मी मांचू और सुधीर नायर जैसे एक्टर जो मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। 2021 के इस मूवी को IMDb पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर इस मूवी को देख पाओगे। हॉटस्टार नेटवर्क के साथ साथ काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर इस मूवी को रिलीज भी कर दिया जा चुका है और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्चेस और काफ़ी ज़्यादा इन मूवी के चर्चे रहने के रीज़न से हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज़ और इस तरह के जानरा की मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने लगे हैं और एक बेहतरीन मूवी आप कह सकती हो इस मूवी को देखकर। क्योंकि दोस्तों एक थ्रिलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी अच्छी बात रहती है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था। जब ये मूवी को प्रीमियर कर दिया उसके तुरंत बाद लोगों के बारे में अपडेट लेने लगे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में तब इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी देखने को मिला और यूट्यूब चैनल्स पर भी इन मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर दिया गया ताकि ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने लगी। और दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो और इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों इस टाइम आप सभी को ये काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग मूवी लगने वाली है। एक बेहतरीन सिनेमा की मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ चर्चे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हो रखा था और लोग इस मूवी को अंडर एस्टिमेट किया गया था। IMDb पर उतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली हुई उसके बावजूद भी एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा सर्चेस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस मूवी के ज़्यादा लंबे समय तक चर्चे देखने को भी मिल जाएगा। हिंदी में इस मूवी को December 2 पर रिलीज़ कर दिया गया था और दोस्तों आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी में रिलीज़ करने के सबसे बड़े रीजंस की इस मूवी की हिंदी फैन ने काफ़ी लंबे समय तक इस मूवी को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे और इस मूवी के अलावा मोहनलाल सर पिछले टाइम काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर लीड कास्टिंग काम कर चुके हैं, जिनमें से पुलिमारम उनके स्टार्टिंग पे ही अच्छी मूवी बन चुकी है। 2020 की बिग ब्रदर और मास्टरपीस जैसी मूवी के अंदर उनको लीड कास्ट में देख चुके हैं और काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनको ऑलरेडी हिंदी वर्जन में प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और लोग एक्सपेक्ट नहीं करने के कि इतनी लो बजटेड मूवी और इतनी मूवी ने भी नेक्स्ट लेवल की कमाई कर रही है और नेक्स्ट लेवल की लोगों को पसंद भी आ रहा है और जिसको देखते हुए आप भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे और आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड होते हो। तो दोस्तों आप सभी में ये सब वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी जिसकी हिंदी फिल्में के साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक चर्चे होने के रीज़न से
आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में हम आप सभी को जानकारी करवा रहे हैं। एक बेहतरीन मूवी के अलावा इनको 2018 की मूवी 2021 की मार्करन्स लाइन ऑफ द अरेवेंस मूवी और दृश्यम की दूसरी सिकल वो भी इन्होंने लीड कास्ट किया था। दृश्यम दोस्तों आप सभी को बताया अजय देवगन सर ने हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था, पर दोस्तों वो ओरिजिनली मोहनलाल सर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी रही थी, जिसके सिक्वल रिलीज़ के साथ साथ लोगों को ये मूवी देखना था और लोगों ने भी इंतज़ार किया था ये सब मूवी के हिंदी फिल्म के लिए। हम आप सभी को बता दें एक बेहतरीन मूवी उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रीमियर कर दिया गया। उनकी काफ़ी सारी मूवी के सक्सेसफुल के रीज़न से लोग इस तरह की मूवी देखना पसंद कर रहे थे। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं कि इस तरह की मूवी आप सभी को देखना पसंद है और इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए आप चाहते हैं एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइए बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर रिलीज में लेकर आना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा और ख़ास भी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #, मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके कमेंट करिए। एक मोस्टर बेहतरीन मूवी होने के सबसे बड़ी रीजंस की मूवी की स्टोरी और इस मूवी की कहानी को देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों काफ़ी सारी मलयालम लैंग्वेज की मूवी रिलीज़ में आने वाली है, काफ़ी सारे अंडर एस्टिमेटेड कैरेक्टर्स और एक्टर्स मूवी के अंदर लीड कास्ट में दिखने को मिल जाएंगे, उसके बावजूद भी ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट में जाने वाली है और आप सभी को भी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लग जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। हिंदी सिनेमा की मूवीज़ के अलावा आप सभी को मलयालम, तेलुगु, तमिल जैसी लैंग्वेज की मूवी ज़्यादा पसंद है या फिर नहीं, आप हमें बता सकते हो। इन दिनों हम आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी के हिंदी रिलीज़ और प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग भी लगने वाला है। हॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ ऑलरेडी रिलीज़ में आ रही थी, जिसके प्रीमियर के साथ साथ लोगों को काफ़ी सारी नई अपडेट मिला और लोगों ने भी हमें ऑलरेडी बता चुके थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, और इसी दौरान आप सभी को हम बता चुके हैं ये सब मूवी हिंदी में रिलीज़ में लेके प्रीमियर में लेके आना। तो आप सभी को काफ़ी सारी मूवी देखने को ऑलरेडी मिल गया था और भी ज़्यादा एक्साइटेड मूवी आप सभी को देखना पसंद है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी देखने को भी मिलने वाला है। मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी और उन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो दोस्तों सबसे पहले 2020 के बिग ब्रदर और काफ़ी सारी मूवी है जो मोहनलाल सर ने एज एक्शन एक्टर में अवतार में वो नज़र आ चुकी है। साथ ही साथ मोहनलाल सर की काफ़ी सारी हिंदी सिनेमा के फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों उनके ऑलमोस्ट मलयालम लैंग्वेज की काफ़ी सारी मूवीज़ को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज़ में लेकर आ चुकी है, जिसके रीज़न से ही उनकी किरदार और प्रीमियर के बारे में लोग चर्चे काफ़ी लंबे समय तक कर रखे थे। और आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी और वो सब मूवी के रिलीज़ अपडेट के बारे में आप सभी का हम जानकारी कराएंगे। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जानरा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, क्योंकि दोस्तों थ्रिलर मूवी पिछले लंबे समय तक मोहनलाल एज लीड कास्ट काम कर चुके हैं और साथ ही साथ उनकी कास्टिंग पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को लोगों ने अभी भी पसंद करते हैं। और हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को अभी भी लोगों ने हिंदी में देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को इस टाइम ये सब मूवी प्रीमियर में भी लेकर आ चुके थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि दोस्तों ये सब मूवीज़ के अलावा हिंदी सिनेमा पर रिलीज़ हुई काफ़ी सारी मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है, और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा मूवी साउथ इंडस्ट्री की मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तेज़ी से पसंद कर रहे थे और वो मूवी को लोगों ने पसंद किया था, जिसके रीज़न से आप सभी को स्पीड के अंदर भी ये सब मूवी के रिलीज़ और कहानी के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों # मॉन्स्टर हिंदी डब फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। साल 2022 में रिलीज हुई मोहनलाल सर की एक बेहतरीन मलयालम लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी मॉन्स्टर हिंदी वर्जन में देखने के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है मोहनलाल सर की इस मूवी को लेकर, और पिछले टाइम लोगों ने भी कमेंट करके पूछ रहे थे हमें ये मूवी की हिंदी प्रीमियर देखने के लिए। जैसे कि आप सभी को हम इस मूवी के प्रीमियर रिलीज के बारे में अपडेट देना पसंद करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें मूवी के अंदर लीड कास्ट में मोहनलाल के साथ होनी रोज
एक्ट्रेस लक्ष्मी मंशु, शदेप नेर और स्वस्तिका जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। 4.4 की रेटिंग मिली हुई थी इस मूवी को। एक एक्शन मूवी को विकेश डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। 21 अक्टूबर पर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था। एक बेहतरीन मूवी आप सभी कह सकते हो। डायरेक्टर अश्विन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने भी इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करके काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी खासी मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुके थे। आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है। पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये मूवी वायरल होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट हम देने लगे हैं और आप सभी को भी ये मूवी काफ़ी खास एक्साइटिंग लगने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो के कॉमेंट बॉक्स कॉमेंट करिए, मॉन्स्टर मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक मलयालम लैंग्वेज के एक्शन थ्रिलर मूवी जिसको लिखा है उत्तर कृष्णा ने और प्रोड्यूस किया है एंथोनी सर ने। जैसे कि आप सभी को बताया कि मोहनलाल सर पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। उनकी मूवी 2018 की आदि, 2016 की उपम, 2017 की पुलिमगरम और 2017 की, जो उसी टाइम उनकी काफ़ी तेज़ी से मूवी आ गई थी और उन मूवीज़ को हिंदी के साथ साथ भी काफ़ी सारे लैंग्वेज में प्रीमियर कर दिया जा रहा था और ये सब मूवी ऑलरेडी हिंदी वर्जन में आ चुकी है। आप लोगों में से कन कन मलयालम लैंग्वेज की मूवी को ज़्यादा पसंद करती हो, आप हमें बताइए कि दोस्तों पिछले टाइम KGF चैप्टर और दोस्तों आप सभी को पता है कि काफ़ी सारी मूवी कन्नड़ा लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज या फिर तेलुगु लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कर रही थी और वो सब मूवी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस टाइम में आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी मूवी देखना पसंद है और किस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके बताइए। 2017 में विशाल सर के साथ मोहनलाल एक कोलैबोरेशन नई मूवी आ रही थी जिसमें हंसिका एज अ लीड कास्ट काम कर रही थी। आप लोगों में से कौन कौन इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और इस तरह के मूवीज देखना ज़्यादा पसंद करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रहा था। मॉन्स्टर मूवी जिसके 2022 पर रिलीज करने की बात चल रही थी और एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी जिसको हाल ही में ही काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा हिंदी वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क एक बेहतरीन सिनेमा की नेटवर्क बन चुकी है जिसने पिछले टाइम काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी को प्रीमियर में लेकर आ चुकी है। एक मॉन्स्टर मूवी को हिंदी में प्रीमियर करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इस मूवी का राइट्स था और पिछले टाइम इस मूवी को लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे देखने के लिए हिंदी में, जिसके दौरान आप सभी को इस मूवी के रिलीज, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए आप सभी को हम बता चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों अब फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है। मॉन्स्टर मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर आप देख पाओगे। एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ रिलीज अपडेट काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था और इस मूवी के एक्साइटिंग स्टोरी और इस मूवी के OTT पर भी प्रीमियर कर दिया जा रहा था। मोहनलाल एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी को लेकर इस टाइम इस मूवी के तरफ बढ़ चुके थे और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्च मिल रहा था इन मूवीज़ को लेकर और लोगों को ये सब मूवी देखना था, जिससे दौरान आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट देने लगे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, साथ ही साथ मॉन्स्टर की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे? तो दोस्तों हिंदी डब 2022 की ये मूवी को लोगों ने देखना पसंद कर रहे थे और जिसके दौरान आप सभी को मॉन्स्टर एज अ लीड कास्ट, मोहनलाल एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके रीज़न से इस मूवी के टीजर और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने इस मूवी को राइट्स लेकर रखा, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इतनी अच्छी मूवी होने लगी है। क्योंकि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड और अंडरएस्टिमेटेड मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा था। इस टाइम मोहनलाल एज अ लीड कास्टिंग ये सब मूवी के अंदर काम करने लगे, जिसको देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है उनकी ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए भी। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है। मलयालम लैंग्वेज की बात करो या फिर आप लोगों ने तेलुगु इंडस्ट्री की बात करो, काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है और वो सब मूवी के अलावा आप सभी को
इस टाइम इस तरह के जॉनर की मूवी को देखने को मिलना और काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के ऑलरेडी चर्चे रहना आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। मॉन्स्टर मूवी डिज्नी प्लस रिटर्न नेटवर्क में रिलीज़ करने के बाद फिर से टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था मूवी के क्लिप्स और लोगों को इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए भी इंतजार था। हम आप सभी को बता दें ये एक थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी रहने के साथ साथ इस मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे होनी रोज, लक्ष्मी मंचू और सुधीर नायर जैसे एक्टर जो मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। 2021 की इस मूवी को IMDb पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर इस मूवी को देख पाओगे। हॉटस्टार नेटवर्क के साथ साथ काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर इस मूवी को रिलीज़ भी कर दिया जा चुका है और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्चेस और काफ़ी ज़्यादा इन मूवी के चर्चे रहने के रीज़न से हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज़ और इस तरह के जानरा की मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने लगे हैं और एक बेहतरीन मूवी आप कह सकती हो इस मूवी को देखकर, क्योंकि दोस्तों एक थ्रिलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी अच्छी बात रहती है और इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था। जब ये मूवी को प्रीमियर कर दिया उसके तुरंत बाद लोगों के बारे में अपडेट लेने लगे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में तब इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी देखने को मिला और यूट्यूब चैनल पर भी इन मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर दिया गया ताकि ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने लगी। और दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं, इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो और इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, इस टाइम आप सभी को ये काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग मूवी लगने वाली है, एक बेहतरीन सिनेमा की मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ चर्चे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हो रखा था और लोग इस मूवी को अंडर एस्टिमेट किया गया था। IMDb पर उतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली हुई उसके बावजूद भी एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चेस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस मूवी के ज़्यादा लंबे समय तक चर्चे देखने को भी मिल जाएगा। हिंदी में इस मूवी को December 2 पर रिलीज़ कर दिया गया था और दोस्तों आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी में रिलीज़ करने के सबसे बड़े रीजंस की इस मूवी के हिंदी फैन ने काफ़ी लंबे समय तक इस मूवी को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे और इस मूवी के अलावा मोहनलाल सर पिछले टाइम काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर लीड कास्टिंग काम कर चुके हैं जिनमें से पुलीमारम उनके स्टार्टिंग पे ही अच्छी मूवी बन चुकी है। 2020 की बिग ब्रदर और मास्टरपीस जैसी मूवी के अंदर उनको लीड कास्ट में देख चुके हैं और काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जिनको ऑलरेडी हिंदी वर्जन में प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और लोग एक्सपेक्ट नहीं करने के कि इतनी लो बजटेड मूवी और इतनी मूवी ने भी नेक्स्ट लेवल की कमाई कर रही है और नेक्स्ट लेवल की लोगों को पसंद भी आ रहा है और जिसको देखते हुए आप भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे और आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड होते हो तो दोस्तों आप सभी में ये सब वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी जिसकी हिंदी फिल्में के साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में हम आप सभी को जानकारी करवा रहे हैं। एक बेहतरीन मूवी के अलावा इनको 2018 की मूवी 2021 की मरकरनस लाइन ऑफ द अरेवेंस मूवी और दृश्यम की दूसरी सिकल वो भी इन्होंने लीड कास्ट किया था। दृश्यम दोस्तों आप सभी को बताया अजय देवगन सर ने हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था पर दोस्तों वो ओरिजिनली मोहनलाल सर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी रही थी जिसके सिक्वल रिलीज़ के साथ साथ लोगों को ये मूवी देखना था और लोगों ने भी इंतज़ार किया था ये सब मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। हम आप सभी को बता दें एक बेहतरीन मूवी उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रीमियर कर दिया गया, उनकी काफ़ी सारी मूवी के सक्सेसफुल के रीज़न से लोग इस तरह की मूवी देखना पसंद कर रहे थे। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं कि इस तरह की मूवी आप सभी को देखना पसंद है और इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए आप चाहते हैं एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइए बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर रिलीज में लेकर आना चाहते हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा और ख़ास भी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके कमेंट करिए। एक मोस्टर बेहतरीन मूवी होने के सबसे बड़े रीजंस की मूवी की स्टोरी और इस मूवी की कहानी को देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों काफ़ी सारी मलयालम लैंग्वेज की मूवी रिलीज़ में आने वाली है, काफ़ी सारे अंडर एस्टिमेटेड कैरेक्टर्स और एक्टर्स मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे, उसके बावजूद भी ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट में जाने वाली है और आप सभी को भी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लग जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। हिंदी सिनेमा की मूवीज़ के अलावा आप सभी को
मलयालम, तेलुगु, तमिल जैसी लैंग्वेज की मूवी ज़्यादा पसंद है या फिर नहीं, आप हमें बता सकते हो। इन दिनों हम आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी के हिंदी रिलीज और प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग भी लगने वाला है। हॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज ऑलरेडी रिलीज में आ रही थी, जिसके प्रीमियर के साथ साथ लोगों को काफ़ी सारी नई अपडेट मिला और लोगों ने भी हमें ऑलरेडी बता चुके थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए। और इसी दौरान आप सभी को हम बता चुके हैं ये सब मूवी हिंदी में रिलीज में लेके प्रीमियर में लेके आना, तो आप सभी को काफ़ी सारी मूवी देखने को ऑलरेडी मिल गया था और भी ज़्यादा एक्साइटेड मूवी आप सभी को देखना पसंद है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी देखने को भी मिलने वाला है। मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी और उन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो दोस्तों सबसे पहले 2020 के बिग ब्रदर और काफ़ी सारी मूवी है जो मोहनलाल सर ने एज एक्शन एक्टर में अवतार में वो नज़र आ चुकी है। साथ ही साथ मोहनलाल सर की काफ़ी सारी हिंदी सिनेमा के फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों उनकी ऑलमोस्ट मलयालम लैंग्वेज की काफ़ी सारी मूवीज़ को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज में लेकर आ चुकी है, जिसके रीज़न से ही उनकी किरदार और प्रीमियर के बारे में लोग चर्चे काफ़ी लंबे समय तक कर रखे थे। और आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी और वो सब मूवी के रिलीज़ अपडेट के बारे में आप सभी का हम जानकारी कराएंगे। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जानरा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, क्योंकि दोस्तों थ्रिलर मूवी पिछले लंबे समय तक मोहनलाल एज लीड कास्ट काम कर चुके हैं और साथ ही साथ उनकी कास्टिंग पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को लोगों ने अभी भी पसंद करते हैं। और हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को अभी भी लोगों ने हिंदी में देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को इस टाइम ये सब मूवी प्रीमियर में भी लेकर आ चुके थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि दोस्तों ये सब मूवीज़ के अलावा हिंदी सिनेमा पर रिलीज़ हुई काफ़ी सारी मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा मूवी साउथ इंडस्ट्री की मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तेज़ी से पसंद कर रहे थे और वो मूवी को लोगों ने पसंद किया था, जिसके रीज़न से आप सभी को इस वीडियो के अंदर भी ये सब मूवी के रिलीज़ और कहानी के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों # मॉन्स्टर हिंदी डब फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। साल 2022 में रिलीज हुई मोहनलाल सर की एक बेहतरीन मलयालम लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी मॉन्स्टर हिंदी वर्जन में देखने के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है मोहनलाल सर की इस मूवी को लेकर और पिछले टाइम लोगों ने भी कमेंट करके पूछ रहे थे हमें ये मूवी की हिंदी प्रीमियर देखने के लिए। जैसे कि आप सभी को हम इस मूवी के प्रीमियर और रिलीज के बारे में अपडेट देना पसंद करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें मूवी के अंदर लीड कास्ट में मोहनलाल के साथ होनी रोज, लक्ष्मी मंशू, शदेव नेर और स्वस्तिका जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। 4.4 की रेटिंग मिली हुई थी इस मूवी को। एक एक्शन मूवी को विकेश डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। 21 अक्टूबर पर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था। एक बेहतरीन मूवी आप सभी कह सकते हो। डायरेक्टर अश्विंदर रीड ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करके काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी खासी मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुके थे। आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों फाइनली दोस्तों इंतज़ार खत्म हो चुका है। पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये मूवी वायरल होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट हम देने लगे हैं और आप सभी को भी ये मूवी काफ़ी खास एक्साइटिंग लगने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करिए मॉन्स्टर मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक मलयालम लगेज के एक्शन थ्रिलर मूवी जिसको लिखा है उत्तर कृष्णा ने और प्रोड्यूस किया है एंथोनी सर ने। जैसे कि आप सभी को बताया कि मोहनलाल सर पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। उनकी मूवीज 2018 की आदि, 2016 की उपम, 2016 की पुलिमगरम और 2017 की, जो कि उसी टाइम उनकी काफ़ी तेज़ी से मूवी आ गई थी और उन मूवीज़ को हिंदी के साथ साथ भी काफ़ी सारे लैंग्वेज में प्रीमियर कर दिया जा रहा था और ये सब मूवी ऑलरेडी हिंदी वर्जन में आ चुकी है। आप लोगों में से कन कन मलयालम लैंग्वेज की मूवी को ज़्यादा पसंद करती हो, आप हमें बताइए कि दोस्तों पिछले टाइम KGF चैप्टर और दोस्तों आप सभी को बताया कि काफ़ी सारी मूवी
कनाडा लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज या फिर तेलुगु लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कर रही थी और वो सब मूवी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी मूवी देखना पसंद है और किस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक करके बताइए। 2017 में विशाल सर के साथ मोहनलाल एक कोलैबोरेशन नई मूवी आ रही थी जिसमें हंसिका एज अ लीड कास्ट काम कर रही थी। आप लोगों में से कौन कौन इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और इस तरह के मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक करिए। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रहा था। मॉन्स्टर मूवी जिसके 2022 पर रिलीज़ करने की बात चल रही थी और एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी जिसको हाल ही में ही काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर रिलीज़ कर दिया जा चुका है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा हिंदी वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क एक बेहतरीन सिनेमा की नेटवर्क बन चुकी है जिसने पिछले टाइम काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी को प्रीमियर में लेकर आ चुकी है। एक मॉन्स्टर मूवी को हिंदी में प्रीमियर करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इस मूवी का राइट्स था और पिछले टाइम इस मूवी को लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए हिंदी में, जिसके दौरान आप सभी को इस मूवी के रिलीज़, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए आप सभी को हम बता चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। मॉन्स्टर मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर आप देख पाओगे, एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ रिलीज अपडेट काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था और इस मूवी के एक्साइटिंग स्टोरी और इस मूवी के OTT पर भी प्रीमियर कर दिया जा रहा था। मोहनलाल एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी को लेकर इस टाइम इस मूवी के तरफ बढ़ चुके थे और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्च मिल रहा था इन मूवीज़ को लेकर और लोगों को ये सब मूवी देखना था, जिससे दौरान आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट देने लगे। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, साथ ही साथ मॉन्स्टर की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों, हिंदी डब 2022 की ये मूवी को लोगों ने देखना पसंद कर रहे थे और जिसके दौरान आप सभी को मॉन्स्टर एज अ लीड कास्ट मोहनलाल एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके रीज़न से इस मूवी के टीजर और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने इस मूवी को राइट्स लेकर रखा है, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इतनी अच्छी मूवी होने लगी है, क्योंकि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड और अंडरएस्टिमेटेड मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा था। इस टाइम मोहनलाल एज अ लीड कास्टिंग ये सब मूवी के अंदर काम करने लगे, जिसको देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है उनकी ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए भी। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है। मलयालम लैंग्वेज की बात करो या फिर आप लोगों ने तेलुगु इंडस्ट्री की बात करो, काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है और वो सब मूवी के अलावा आप सभी को इस टाइम इस तरह के जॉनर की मूवी को देखने को मिलना और काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के ऑलरेडी चर्चे रहना आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। मॉन्स्टर मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में रिलीज़ करने के बाद फिर से टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था मूवी के क्लिप्स और लोगों को इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए भी इंतज़ार था। हम आप सभी को बता दें, ये एक थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी रहने के साथ साथ इस मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे होनी रोज, लक्ष्मी मांचू और सुधीर नायर जैसे एक्टर जो मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। 2021 की इस मूवी को IMDb पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर इस मूवी को देख पाओगे। हॉटस्टार नेटवर्क के साथ साथ काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर इस मूवी को रिलीज़ भी कर दिया जा चुका है और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्चेस और काफ़ी ज़्यादा इन मूवी के चर्चे रहने के रीज़न से हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज और इस तरह के जॉनर की मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने लगे हैं और एक बेहतरीन मूवी आप कह सकती हो इस मूवी को देखकर, क्योंकि दोस्तों एक थ्रिलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी अच्छी बात रहती है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था। जब ये मूवी को प्रीमियर कर दिया उसके तुरंत बाद लोगों के बारे में अपडेट लेने लगे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में तब इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी देखने को मिला और यूट्यूब चैनल पर भी इन मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर दिया गया, ताकि ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने लगी
और दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं, इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो और इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, इस टाइम आप सभी को ये काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग मूवी लगने वाली है। एक बेहतरीन सिनेमा की मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ चर्चे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हो रखा था और लोग इस मूवी को अंडर एस्टिमेट किया गया था। IMDb पर उतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली हुई, उसके बावजूद भी एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चेस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस मूवी के ज़्यादा लंबे समय तक चर्चे देखने को भी मिल जाएगा। हिंदी में इस मूवी को December 2 पर रिलीज़ कर दिया गया था और दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मूवी को हिंदी में रिलीज़ करने के सबसे बड़े रीजंस की इस मूवी के हिंदी फैन ने काफ़ी लंबे समय तक इस मूवी को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। और इस मूवी के अलावा मोहनलाल सर पिछले टाइम काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर लीड कास्टिंग काम कर चुके हैं, जिनमें से पुलिमा रोम उनके स्टार्टिंग पे ही अच्छी मूवी बन चुकी है 2020 की बिग ब्रदर और मास्टरपीस जैसी मूवी के अंदर उनको लीड कास्ट में देख चुके हैं। और काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनको ऑलरेडी हिंदी वर्जन में प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और लोग एक्सपेक्ट नहीं करने के कि इतनी लो बजटेड मूवी और इतनी मूवी ने भी नेक्स्ट लेवल की कमाई कर रही है और नेक्स्ट लेवल की लोगों को पसंद भी आ रहा है और जिसको देखते हुए आप भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे और आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड होते हो। तो दोस्तों आप सभी में ये सब वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी जिसकी हिंदी फिल्में के साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में हम आप सभी को जानकारी करवा रहे हैं। एक बेहतरीन मूवी के अलावा इनको 2018 की मूवी 2021 की मार्कन्स लाइन ऑफ द अरेवेंस मूवी और दृश्यम की दूसरी सिकल वो भी इन्होंने लीड कास्ट किया था। दृश्यम दोस्तों आप सभी को बताया अजय देवगन सर ने हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था, पर दोस्तों वो ओरिजिनली मोहनलाल सर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी रही थी, जिसके सिक्वल रिलीज़ के साथ साथ लोगों को ये मूवी देखना था और लोगों ने भी इंतज़ार किया था ये सब मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। हम आप सभी को बता दें, एक बेहतरीन मूवी उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रीमियर कर दिया गया। उनकी काफ़ी सारी मूवी के सक्सेसफुल के रीज़न से लोग इस तरह की मूवी देखना पसंद कर रहे थे। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं कि इस तरह की मूवी आप सभी को देखना पसंद है और इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए आप चाहते एक्साइटेड हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइए, बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर रिलीज़ में लेकर आना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा और ख़ास भी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके कमेंट करिए। एक मोस्टर बेहतरीन मूवी होने के सबसे बड़े रीजंस की मूवी की स्टोरी और इस मूवी की कहानी को देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों काफ़ी सारी मलयालम लैंग्वेज की मूवी रिलीज में आने वाली है, काफ़ी सारे अंडर एस्टिमेटेड कैरेक्टर्स और एक्टर्स मूवी के अंदर लीड कास्ट में दिखने को मिल जाएंगे, उसके बावजूद भी ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट में जाने वाली है और आप सभी को भी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लग जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। हिंदी सिनेमा की मूवीज़ के अलावा आप सभी को मलयालम, तेलुगू, तमिल जैसी लैंग्वेज की मूवी ज़्यादा पसंद है या फिर नहीं, आप हमें बता सकते हो। इन दिनों हम आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी के हिंदी रिलीज़ और प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग भी लगने वाला है। हॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ ऑलरेडी रिलीज में आ रही थी, जिसके प्रीमियर के साथ साथ लोगों को काफ़ी सारी नई अपडेट मिला और लोगों ने भी हमें ऑलरेडी बता चुके थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए। और इसी दौरान आप सभी को हम बता चुके हैं, ये सब मूवी हिंदी में रिलीज़ में लेके प्रीमियर में लेके आना, तो आप सभी को काफ़ी सारी मूवी देखने को ऑलरेडी मिल गया था और भी ज़्यादा एक्साइटेड मूवी आप सभी को देखना पसंद है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी देखने को भी मिलने वाला है, मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी और उन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो दोस्तों सबसे पहले 2020 के बिग ब्रदर और काफ़ी सारी मूवी है जो मोहनलाल सर ने एज एक्शन एक्टर में अवतार में वो नज़र आ चुकी है। साथ ही साथ मोहनलाल सर की काफ़ी सारी हिंदी सिनेमा के फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों उनके ऑलमोस्ट मलयालम लैंग्वेज की काफ़ी सारी मूवीज़ को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज में लेकर आ चुकी है, जिसके रीज़न से ही उनकी किरदार और प्रीमियर के बारे में लोग चर्चे काफ़ी लंबे समय तक कर रखे थे। और आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी और वो सब मूवी के रिलीज़ अपडेट के बारे में आप सभी का हम जानकारी कराएंगे। आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा
कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो? क्योंकि दोस्तों थ्रिलर मूवी पिछले लंबे समय तक मोहनलाल एज लीड कास्ट काम कर चुके हैं और साथ ही साथ उनकी कास्टिंग पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को लोगों ने अभी भी पसंद करते हैं और हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को अभी भी लोगों ने हिंदी में देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को इस टाइम ये सब मूवी प्रीमियर में भी लेकर आ चुके थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि दोस्तों ये सब मूवीज़ के अलावा हिंदी सिनेमा पर रिलीज़ हुई काफ़ी सारी मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा मूवी साउथ इंडस्ट्री की मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तेज़ी से पसंद कर रहे थे और वो मूवी को लोगों ने पसंद किया था, जिसके रीज़न से आप सभी को इस वीडियो के अंदर भी ये सब मूवी के रिलीज़ और कहानी के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों # मॉन्स्टर हिंदी डब फुल मूवी लिख के कमेंट करिएगा। साल 2022 में रिलीज हुई मोहनलाल सर की एक बेहतरीन मलयालम लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी मॉन्स्टर हिंदी वर्जन में देखने के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है मोहनलाल सर की इस मूवी को लेकर और पिछले टाइम लोगों ने भी कमेंट करके पूछ रहे थे हमें ये मूवी की हिंदी प्रीमियर देखने के लिए। जैसे कि आप सभी को हम इस मूवी के प्रीमियर और रिलीज के बारे में अपडेट देना पसंद करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें मूवी के अंदर लीड कास्ट में मोहनलाल के साथ होनी रोज, लक्ष्मी मंशु, सदीप नैर और स्वस्तिका जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। 4.4 की रेटिंग मिली हुई थी इस मूवी को। एक एक्शन मूवी को विकाश डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। 21 अक्टूबर पर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था। एक बेहतरीन मूवी आप सभी कह सकते हो। डायरेक्टर अश्विंदर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने भी इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करके काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी खासी मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुके थे। आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है। पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये मूवी वायरल होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट हम देने लगे हैं और आप सभी को भी ये मूवी काफ़ी खास एक्साइटिंग लगने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करिए मॉन्स्टर मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक मलयालम लगेज के एक्शन थ्रिलर मूवी जिसको लिखा है उत्तर कृष्णा ने और प्रोड्यूस किया है एंथोनी सर ने। जैसे कि आप सभी को बताया कि मोहनलाल सर पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। उनकी मूवीज 2018 की आदि, 2016 की उपम, 2016 की पुलिमगरम और 2017 की, जो कि उसी टाइम उनकी काफ़ी तेज़ी से मूवी आ गई थी और उन मूवीज़ को हिंदी के साथ साथ भी काफ़ी सारे लैंग्वेज में प्रीमियर कर दिया जा रहा था और ये सब मूवी ऑलरेडी हिंदी वर्जन में आ चुकी है। आप लोगों में से कन कन मलयालम लैंग्वेज की मूवी को ज़्यादा पसंद करती हो, आप हमें बताइए कि दोस्तों पिछले टाइम KGF चैप्टर और दोस्तों आप सभी को पता है कि काफ़ी सारी मूवी कनाडा लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज या फिर तेलुगु लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कर रही थी और वो सब मूवी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस टाइम में आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी मूवी देखना पसंद है और किस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक करके बताइए। 2017 में विशाल सर के साथ मोहनलाल एक कोलैबोरेशन नई मूवी आ रही थी जिसमें हंसिका एज अ लीड कास्ट काम कर रही थी। आप लोगों में से कौन कौन इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और इस तरह के मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हो? सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रहा था। मॉन्स्टर मूवी जिसके 2022 पर रिलीज़ करने की बात चल रही थी और एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी जिसको हाल ही में ही काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर रिलीज़ कर दिया जा चुका है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा हिंदी वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क एक बेहतरीन सिनेमा के नेटवर्क बन चुकी है जिसने पिछले टाइम काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी को प्रीमियर में लेकर आ चुकी है। एक मॉन्स्टर मूवी को हिंदी में प्रीमियर करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इस मूवी का राइट्स था और पिछले टाइम इस मूवी को लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे देखने के लिए हिंदी में, जिसके दौरान आप सभी को इस मूवी के रिलीज, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए आप सभी को हम बता चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों अब फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है। मॉन्स्टर मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर आप देख पाओगे। एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ रिलीज अपडेट काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था और इस मूवी के एक्साइटिंग स्टोरी और इस मूवी के OTT पर
वी प्रीमियर कर दिया जा रहा था। मोहनलाल एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी को लेकर इस टाइम इस मूवी के तरफ बढ़ चुके थे। और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्च मिल रहा था इन मूवीज़ को लेकर और लोगों को ये सब मूवी देखना था, जिससे दौरान आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट देने लगे। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। साथ ही साथ मॉन्स्टर की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे दोस्तों। हिंदी डब 2022 की ये मूवी को लोगों ने देखना पसंद कर रहे थे और जिसके दौरान आप सभी को मॉन्स्टर एज ए लीड कास्ट मोहनलाल एज ए लीड कास्ट मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके रीज़न से इस मूवी के टीजर और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने इस मूवी को राइट्स लेकर रखा, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इतनी अच्छी मूवी होने लगी है। क्योंकि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड और अंडरएस्टिमेटेड मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा था। इस टाइम मोहनलाल एज ए लीड कास्टिंग ये सब मूवी के अंदर काम करने लगे, जिसको देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है उनकी ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए भी। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है। मलयालम लैंग्वेज की बात करो या फिर आप लोगों ने तेलुगु इंडस्ट्री की बात करो, काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है। और वो सब मूवी के अलावा आप सभी को इस टाइम इस तरह के जॉनर की मूवी को देखने को मिलना और काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के ऑलरेडी चर्चे रहना आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। मॉन्स्टर मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में रिलीज़ करने के बाद फिर से टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था मूवी के क्लिप्स, और लोगों को इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए भी इंतजार था। हम आप सभी को बता दें ये एक थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी रहने के साथ साथ इस मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे होनी रोज, लक्ष्मी मांचू और सुधीर नायर जैसे एक्टर जो मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। 2021 की इस मूवी को IMDb पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर इस मूवी को देख पाओगे। हॉटस्टार नेटवर्क के साथ साथ काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर इस मूवी को रिलीज़ भी कर दिया जा चुका है। और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्चेस और काफ़ी ज़्यादा इन मूवी के चर्चे रहने के रीज़न से हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज़ और इस तरह के जॉनर की मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने लगे हैं। और एक बेहतरीन मूवी आप कह सकती हो इस मूवी को देखकर, क्योंकि दोस्तों एक थ्रिलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी अच्छी बात रहती है। और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था, जब ये मूवी को प्रीमियर कर दिया उसके तुरंत बाद लोगों के बारे में अपडेट लेने लगे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में तब इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी देखने को मिला और यूट्यूब चैनल्स पर भी इन मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर दिया गया, ताकि ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने लगी। और दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं, इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो और इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, इस टाइम आप सभी को ये काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग मूवी लगने वाली है। एक बेहतरीन सिनेमा की मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ चर्चे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हो रखा था और लोग इस मूवी को अंडर एस्टिमेट किया गया था। IMDb पर उतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली हुई, उसके बावजूद भी एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चेस देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस मूवी के ज़्यादा लंबे समय तक चर्चे देखने को भी मिल जाएगा। हिंदी में इस मूवी को December 2 पर रिलीज़ कर दिया गया था। और दोस्तों आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी में रिलीज़ करने के सबसे बड़े रीजंस की इस मूवी की हिंदी फैन ने काफ़ी लंबे समय तक इस मूवी को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। और इस मूवी के अलावा मोहनलाल सर पिछले टाइम काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर लीड कास्टिंग काम कर चुके हैं, जिनमें से पुली मारूम उनके स्टार्टिंग पे ही अच्छी मूवी बन चुकी है 2020 की बिग ब्रदर, और मास्टरपीस जैसी मूवी के अंदर उनको लीड कास्ट में देख चुके हैं। और काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनको ऑलरेडी हिंदी वर्जन में प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और लोग एक्सपेक्ट नहीं करने के कि इतनी लो बजटेड मूवी और इतनी मूवी ने भी नेक्स्ट लेवल की कमाई कर रही है और नेक्स्ट लेवल की लोगों को पसंद भी आ रहा है, और जिसको देखते हुए आप भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे और आप लोगों में से कन-कन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड होते हो, तो दोस्तों आप सभी में ये सब वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी जिसकी हिंदी फिल्में के साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में हम आप सभी को जानकारी करवा रहे हैं। एक बेहतरीन मूवी के अलावा इनको 2018 की मूवी 2021 की मारकरन्स लायन ऑफ द अरेबियन मूवी और दृश्यम की दूसरी सिकल वो भी
इन्होंने लीड कास्ट किया था। दृश्यम दोस्तों आप सभी को बताया अजय देवगन सर ने हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था, पर दोस्तों वो ओरिजिनली मोहनलाल सर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी रही थी, जिसके सीक्वल रिलीज़ के साथ साथ लोगों को ये मूवी देखना था और लोगों ने भी इंतज़ार किया था ये सब मूवी के हिंदी फिल्म के लिए। हम आप सभी को बता दें एक बेहतरीन मूवी उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रीमियर कर दिया गया। उनकी काफ़ी सारी मूवी के सक्सेसफुल के रीज़न से लोग इस तरह की मूवी देखना पसंद कर रहे थे। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं कि इस तरह की मूवी आप सभी को देखना पसंद है और इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए आप चाहते एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइए बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर रिलीज में लेकर आना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा और ख़ास भी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #, मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके कमेंट करिए। एक मोस्ट और बेहतरीन मूवी होने के सबसे बड़े रीजंस की मूवी की स्टोरी और इस मूवी की कहानी को देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों काफ़ी सारी मलयालम लैंग्वेज की मूवी रिलीज में आने वाली है, काफ़ी सारे अंडर एस्टिमेटेड कैरेक्टर्स और एक्टर्स मूवी के अंदर लीड कास्ट में दिखने को मिल जाएंगे, उसके बावजूद भी ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट में जाने वाली है और आप सभी को भी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लग जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। हिंदी सिनेमा की मूवीज़ के अलावा आप सभी को मलयालम, तेलुगु, तमिल जैसी लैंग्वेज की मूवी ज़्यादा पसंद है या फिर नहीं, आप हमें बता सकते हो। इन दिनों हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के हिंदी रिलीज और प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग भी लगने वाला है। हॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज ऑलरेडी रिलीज में आ रही थी, जिसके प्रीमियर के साथ साथ लोगों को काफ़ी सारी नई अपडेट मिला और लोगों ने भी हमें ऑलरेडी बता चुके थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए। और इसी दौरान आप सभी को हम बता चुके हैं ये सब मूवी हिंदी में रिलीज़ में लेके प्रीमियर में लेके आना, तो आप सभी को काफ़ी सारी मूवी देखने को ऑलरेडी मिल गया था और भी ज़्यादा एक्साइटेड मूवी आप सभी को देखना पसंद है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी देखने को भी मिलने वाला है, मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी और उन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो दोस्तों सबसे पहले 2020 के बिग ब्रदर और काफ़ी सारी मूवी है जो मोहनलाल सर ने एज अ एक्शन एक्टर में अवतार में वो नज़र आ चुकी है। साथ ही साथ मोहनलाल सर की काफ़ी सारी हिंदी सिनेमा के फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों उनके ऑलमोस्ट मलयालम लैंग्वेज की काफ़ी सारी मूवीज़ को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज में लेकर आ चुकी है, जिसके रीज़न से ही उनकी किरदार और प्रीमियर के बारे में लोग चर्चे काफ़ी लंबे समय तक कर रखे थे। और आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी और वो सब मूवी के रिलीज़ अपडेट के बारे में आप सभी को हम जानकारी कराएंगे। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, क्योंकि दोस्तों थ्रिलर मूवी पिछले लंबे समय तक मोहनलाल एज लीड कास्ट काम कर चुके हैं और साथ ही साथ उनकी कास्टिंग पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को लोगों ने अभी भी पसंद करते हैं। और हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को अभी भी लोगों ने हिंदी में देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को इस टाइम ये सब मूवी प्रीमियर में भी लेकर आ चुके थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि दोस्तों ये सब मूवीज़ के अलावा हिंदी सिनेमा पर रिलीज़ हुई काफ़ी सारी मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा मूवी साउथ इंडस्ट्री की मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तेज़ी से पसंद कर रहे थे और वो मूवी को लोगों ने पसंद किया था, जिसके रीज़न से आप सभी को इस वीडियो के अंदर भी ये सब मूवी के रिलीज़ और कहानी के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों #, मॉन्स्टर हिंदी डब फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। साल 2022 में रिलीज हुई मोहनलाल सर की एक बेहतरीन मलयालम लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी मॉन्स्टर हिंदी वर्जन में देखने के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है मोहनलाल सर की इस मूवी को लेकर और पिछले टाइम लोगों ने भी कमेंट करके पूछ रहे थे हमें ये मूवी की हिंदी प्रीमियर देखने के लिए। जैसे कि आप सभी को हम इस मूवी के प्रीमियर और रिलीज के बारे में अपडेट देना पसंद करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें मूवी के अंदर लीड कास्ट में मोहनलाल के साथ होनी रोज, लक्ष्मी मंचू, सदीप नेर और स्वस्तिका जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। 1.4 की रेटिंग मिली हुई थी इस मूवी को। एक एक्शन मूवी को विकेश डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। 21 अक्टूबर पर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था। एक बेहतरीन मूवी आप सभी कह सकते हो। डायरेक्टर अश्विंदर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने भी इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करके काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी खासी मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुके थे।
आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है। पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये मूवी वायरल होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट हम देने लगे हैं और आप सभी को भी ये मूवी काफ़ी खास एक्साइटिंग लगने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए मॉन्स्टर मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक मलयालम लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी जिसको लिखा है उत्तर कृष्णा ने और प्रोड्यूस किया है एंथनी सर ने। जैसे कि आप सभी को बताया कि मोहनलाल सर पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। उनकी मूवीज 2018 की आदि, 2016 की उपम, 2016 की पुलिमगरम और 2017 की, जो कि उसी टाइम उनकी काफ़ी तेज़ी से मूवी आ गई थी और उन मूवीज़ को हिंदी के साथ साथ भी काफ़ी सारे लैंग्वेज में प्रीमियर कर दिया जा रहा था और ये सब मूवी ऑलरेडी हिंदी वर्जन में आ चुकी है। आप लोगों में से कन कन मलयालम लैंग्वेज की मूवी को ज़्यादा पसंद करती हो, आप हमें बताइए कि दोस्तों पिछले टाइम KGF चैप्टर और दोस्तों आप सभी को पता है कि काफ़ी सारी मूवी कन्नड़ा लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज या फिर तेलुगु लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कर रही थी और वो सब मूवी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी मूवी देखना पसंद है और किस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक करके बताइए। 2017 में विशाल सर के साथ मोहनलाल एक कोलैबोरेशन नई मूवी आ रही थी जिसमें हंसिका एज अ लीड कास्ट काम कर रही थी। आप लोगों में से कौन कौन इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और इस तरह के मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रहा था। मॉन्स्टर मूवी जिसके 2022 पर रिलीज करने की बात चल रही थी और एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी जिसको हाल ही में ही काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर रिलीज़ कर दिया जा चुका है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा हिंदी वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क एक बेहतरीन सिनेमा की नेटवर्क बन चुकी है जिसने पिछले टाइम काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी को प्रीमियर में लेकर आ चुकी है। एक मॉन्स्टर मूवी को हिंदी में प्रीमियर करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इस मूवी का राइट्स था और पिछले टाइम इस मूवी को लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे देखने के लिए हिंदी में, जिसके दौरान आप सभी को इस मूवी के रिलीज, इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए आप सभी को हम बता चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों आप फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है। मॉन्स्टर मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर आप देख पाओगे, एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ रिलीज अपडेट काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था और इस मूवी के एक्साइटिंग स्टोरी और इस मूवी के OTT पर भी प्रीमियर कर दिया जा रहा था। मोहनलाल एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी को लेकर इस टाइम इस मूवी के तरफ बढ़ चुके थे और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्च मिल रहा था इन मूवीज़ को लेकर और लोगों को ये सब मूवी देखना था, जिससे दौरान आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट देने लगे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, साथ ही साथ मॉन्स्टर की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों हिंदी डब 2022 की ये मूवी को लोगों ने देखना पसंद कर रहे थे और जिसके दौरान आप सभी को मॉन्स्टर एज अ लीड कास्ट मोहनलाल एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके रीज़न से इस मूवी के टीजर और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने इस मूवी को राइट्स लेकर रखा, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इतनी अच्छी मूवी होने लगी है। क्योंकि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड और अंडरएस्टिमेटेड मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा था, इस टाइम मोहनलाल एज अ लीड कास्टिंग ये सब मूवी के अंदर काम करने लगे, जिसको देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है उनकी ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए भी। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है। मलयालम लैंग्वेज की बात करो या फिर आप लोगों ने तेलुगु इंडस्ट्री की बात करो, काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है और वो सब मूवी के अलावा आप सभी को इस टाइम इस तरह के जॉनर की मूवी को देखने को मिलना और काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के ऑलरेडी चर्चे रहना आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। मॉन्स्टर मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में रिलीज करने के बाद फिर से टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था। मूवी के क्लिप्स
और लोगों को इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए भी इंतजार था। हम आप सभी को बता दें ये एक थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी रहने के साथ साथ इस मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे होनी रोज, लक्ष्मी मांचू और सुधीर नायर जैसे एक्टर जो मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। 2021 की इस मूवी को IMDb पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और डिजनी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर इस मूवी को देख पाओगे। हॉटस्टार नेटवर्क के साथ साथ काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर इस मूवी को रिलीज़ भी कर दिया जा चुका है और इसी टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्चेस और काफ़ी ज़्यादा इन मूवी के चर्चे रहने के रीज़न से हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज़ और इस तरह के जानरा की मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने लगे हैं। और एक बेहतरीन मूवी आप कह सकती हो इस मूवी को देख कर, क्योंकि दोस्तों एक थ्रिलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी अच्छी बात रहती है और इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था। जब ये मूवी को प्रीमियर कर दिया उसके तुरंत बाद लोगों के बारे में अपडेट लेने लगे और डिजनी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में तब इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी देखने को मिला और यूट्यूब चैनल पर भी इन मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर दिया गया ताकि ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने लगी। और दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं, इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो और इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, इस टाइम आप सभी को ये काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग मूवी लगने वाली है। एक बेहतरीन सिनेमा की मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ चर्चे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हो रखा था और लोग इस मूवी को अंडर एस्टिमेट किया गया था। IMDb पर उतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली हुई, उसके बावजूद भी एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चेस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस मूवी के ज़्यादा लंबे समय तक चर्चे देखने को भी मिल जाएगा। हिंदी में इस मूवी को December 2 पर रिलीज़ कर दिया गया था और दोस्तों आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी में रिलीज़ करने के सबसे बड़े रीजंस की इस मूवी की हिंदी फैन ने काफ़ी लंबे समय तक इस मूवी को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। और इस मूवी के अलावा मोहनलाल सर पिछले टाइम काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर लीड कास्टिंग काम कर चुके हैं जिनमें से पुली मारूम उनके स्टार्टिंग पे ही अच्छी मूवी बन चुकी है। 2020 की बिग ब्रदर और मास्टरपीस जैसी मूवी के अंदर उनको लीड कास्ट में देख चुके हैं और काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जिनको ऑलरेडी हिंदी वर्जन में प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और लोग एक्सपेक्ट नहीं करने के कि इतनी लो बजटेड मूवी और इतनी मूवी ने भी नेक्स्ट लेवल की कमाई कर रही है और नेक्स्ट लेवल की लोगों को पसंद भी आ रहा है और जिसको देखते हुए आप भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे और आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्म के लिए एक्साइटेड होते हो। तो दोस्तों आप सभी में ये सब वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी जिसकी हिंदी फिल्म के साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में हम आप सभी को जानकारी करवा रहे हैं। एक बेहतरीन मूवी के अलावा इनको 2018 की मूवी 2021 की मरकरन्स लाइन ऑफ द अरेवेंस मूवी और दृश्यम की दूसरी सिकल वो भी इन्होंने लीड कास्ट किया था। दृश्यम दोस्तों आप सभी को बताया अजय देवगन सर ने हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था पर दोस्तों वो ओरिजिनली मोहनलाल सर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी रही थी जिसके सिक्वल रिलीज़ के साथ साथ लोगों को ये मूवी देखना था और लोगों ने भी इंतज़ार किया था ये सब मूवी के हिंदी फिल्म के लिए। हम आप सभी को बता दें एक बेहतरीन मूवी उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रीमियर कर दिया गया। उनकी काफ़ी सारी मूवी के सक्सेसफुल के रीज़न से लोग इस तरह की मूवी देखना पसंद कर रहे थे। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं कि इस तरह की मूवी आप सभी को देखना पसंद है और इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए आप चाहते हैं एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइए बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर रिलीज में लेकर आना चाहते हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा और ख़ास भी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके कमेंट करिए। एक मोस्टर बेहतरीन मूवी होने के सबसे बड़े रीजंस की मूवी की स्टोरी और इस मूवी की कहानी को देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों काफ़ी सारी मलयालम लैंग्वेज की मूवी रिलीज में आने वाली है, काफ़ी सारे अंडर एस्टिमेटेड कैरेक्टर्स और एक्टर्स मूवी के अंदर लीड कास्ट में दिखने को मिल जाएंगे, उसके बावजूद भी ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट में जाने वाली है और आप सभी को भी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लग जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। हिंदी सिनेमा की मूवीज़ के अलावा आप सभी को
मलयालम, तेलुगु, तमिल जैसी लैंग्वेज की मूवी ज़्यादा पसंद है या फिर नहीं, आप हमें बता सकते हो। इन दिनों हम आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी के हिंदी रिलीज और प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग भी लगने वाला है। हॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज ऑलरेडी रिलीज में आ रही थी, जिसके प्रीमियर के साथ साथ लोगों को काफ़ी सारी नई अपडेट मिला और लोगों ने भी हमें ऑलरेडी बता चुके थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए। और इसी दौरान आप सभी को हम बता चुके हैं ये सब मूवी हिंदी में रिलीज़ में लेके प्रीमियर में लेके आना, तो आप सभी को काफ़ी सारी मूवी देखने को ऑलरेडी मिल गया था और भी ज़्यादा एक्साइटेड मूवी आप सभी को देखना पसंद है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी देखने को भी मिलने वाला है। मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी और उन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड होते हो। दोस्तों सबसे पहले 2020 के बिग ब्रदर और काफ़ी सारी मूवी है जो मोहनलाल सर ने एज एक्शन एक्टर में अवतार में वो नज़र आ चुकी है। साथ ही साथ मोहनलाल सर की काफ़ी सारी हिंदी सिनेमा के फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों उनके ऑलमोस्ट मलयालम लैंग्वेज की काफ़ी सारी मूवीज़ को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज में लेकर आ चुकी है, जिसके रीज़न से ही उनकी किरदार और प्रीमियर के बारे में लोग चर्चे काफ़ी लंबे समय तक कर रखे थे। और आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी और वो सब मूवी के रिलीज़ अपडेट के बारे में आप सभी का हम जानकारी कराएंगे। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, क्योंकि दोस्तों थ्रिलर मूवी पिछले लंबे समय तक मोहनलाल एज लीड कास्ट काम कर चुके हैं और साथ ही साथ उनकी कास्टिंग पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को लोगों ने अभी भी पसंद करते हैं। और हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को अभी भी लोगों ने हिंदी में देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को इस टाइम ये सब मूवी प्रीमियर में भी लेकर आ चुके थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि दोस्तों ये सब मूवीज़ के अलावा हिंदी सिनेमा पर रिलीज़ हुई काफ़ी सारी मूवीज आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा मूवी साउथ इंडस्ट्री की मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तेज़ी से पसंद कर रहे थे और वो मूवी को लोगों ने पसंद किया था, जिसके रीज़न से आप सभी को इस वीडियो के अंदर भी ये सब मूवी के रिलीज़ और कहानी के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों # मॉन्स्टर हिंदी डब फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। साल 2022 में रिलीज हुई मोहनलाल सर की एक बेहतरीन मलयालम लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी मॉन्स्टर हिंदी वर्जन में देखने के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है मोहनलाल सर की इस मूवी को लेकर और पिछले टाइम लोगों ने भी कमेंट करके पूछ रहे थे हमें ये मूवी की हिंदी प्रीमियर देखने के लिए। जैसे कि आप सभी को हम इस मूवी के प्रीमियर और रिलीज के बारे में अपडेट देना पसंद करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें मूवी के अंदर लीड कास्ट में मोहनलाल के साथ होनी रोज, लक्ष्मी मंचू, सदीप नेर और स्वस्तिका जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। 1.4 की रेटिंग मिली हुई थी इस मूवी को। एक एक्शन मूवी को विकेश डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। 21 अक्टूबर पर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था। एक बेहतरीन मूवी आप सभी कह सकते हो। डायरेक्टर अश्विंदर रीड ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने भी इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करके काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी खासी मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुके थे। आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है। पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये मूवी वायरल होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट हम देने लगे हैं और आप सभी को भी ये मूवी काफ़ी खास एक्साइटिंग लगने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स कॉमेंट करिए मॉन्स्टर मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक मलयालम लगेज के एक्शन थ्रिलर मूवी जिसको लिखा है उत्तर कृष्णा ने और प्रोड्यूस किया है एंथोनी सर ने। जैसे कि आप सभी को बताया कि मोहनलाल सर पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। उनकी मूवीज 2018 की आदि, 2016 की उपम, 2016 की पुलिमगरम और 2017 की, जो उसी टाइम उनकी काफ़ी तेज़ी से मूवी आ गई थी और उन मूवीज़ को हिंदी के साथ साथ भी काफ़ी सारे लैंग्वेज में प्रीमियर कर दिया जा रहा था और ये सब मूवी ऑलरेडी हिंदी वर्जन में आ चुकी है। आप लोगों में से कन कन मलयालम लैंग्वेज की मूवी को ज़्यादा पसंद करती हो, आप हमें बताइए कि दोस्तों पिछले टाइम KGF चैप्टर और दोस्तों आप सभी को बताया कि काफ़ी सारी मूवी
कनाडा लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज या फिर तेलुगु लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कर रही थी, और वो सब मूवी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी मूवी देखना पसंद है और किस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक करके बताइए। 2017 में विशाल सर के साथ मोहनलाल एक कोलैबोरेशन नई मूवी आ रही थी, जिसमें हंसिका एज अ लीड कास्ट काम कर रही थी। आप लोगों में से कौन कौन इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और इस तरह के मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रहा था। मॉन्स्टर मूवी जिसके 2022 पर रिलीज़ करने की बात चल रही थी, और एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी जिसको हाल ही में ही काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर रिलीज़ कर दिया जा चुका है, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा हिंदी वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क एक बेहतरीन सिनेमा की नेटवर्क बन चुकी है, जिसने पिछले टाइम काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी को प्रीमियर में लेकर आ चुकी है। एक मॉन्स्टर मूवी को हिंदी में प्रीमियर करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इस मूवी का राइट्स था, और पिछले टाइम इस मूवी को लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए हिंदी में, जिसके दौरान आप सभी को इस मूवी के रिलीज़, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए आप सभी को हम बता चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। मॉन्स्टर मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर आप देख पाओगे, एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ रिलीज अपडेट काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था, और इस मूवी के एक्साइटिंग स्टोरी और इस मूवी के OTT पर भी प्रीमियर कर दिया जा रहा था। मोहनलाल एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी को लेकर इस टाइम इस मूवी के तरफ बढ़ चुके थे, और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्च मिल रहा था इन मूवीज़ को लेकर, और लोगों को ये सब मूवी देखना था, जिससे दौरान आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट देने लगे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, साथ ही साथ मॉन्स्टर की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों, हिंदी डब 2022 की ये मूवी को लोगों ने देखना पसंद कर रहे थे, और जिसके दौरान आप सभी को मॉन्स्टर एज अ लीड कास्ट मोहनलाल एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके रीज़न से इस मूवी के टीजर और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था, और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने इस मूवी को राइट्स लेकर रखा, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इतनी अच्छी मूवी होने लगी है, क्योंकि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड और अंडरएस्टिमेटेड मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा था। इस टाइम मोहनलाल एज अ लीड कास्टिंग ये सब मूवी के अंदर काम करने लगे, जिसको देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है उनकी ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए भी। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है। मलयालम लैंग्वेज की बात करो या फिर आप लोगों ने तेलुगु इंडस्ट्री की बात करो, काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है, और वो सब मूवी के अलावा आप सभी को इस टाइम इस तरह के जॉनर की मूवी को देखने को मिलना और काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के ऑलरेडी चर्चे रहना आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। मॉन्स्टर मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में रिलीज़ करने के बाद फिर से टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था मूवी के क्लिप्स, और लोगों को इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए भी इंतज़ार था। हम आप सभी को बता दें, ये एक थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी रहने के साथ साथ इस मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे होनी रोज, लक्ष्मी मांचू और सुधीर नायर जैसे एक्टर जो मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। 2021 के इस मूवी को IMDb पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर इस मूवी को देख पाओगे। हॉटस्टार नेटवर्क के साथ साथ काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर इस मूवी को रिलीज़ भी कर दिया जा चुका है, और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्चेस और काफ़ी ज़्यादा इन मूवी के चर्चे रहने के रीज़न से हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज़ और इस तरह के जॉनर की मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने लगे हैं, और एक बेहतरीन मूवी आप कह सकती हो इस मूवी को देखकर, क्योंकि दोस्तों एक थ्रिलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी अच्छी बात रहती है, और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था। जब ये मूवी को प्रीमियर कर दिया उसके तुरंत बाद लोगों के बारे में अपडेट लेने लगे, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में तब इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी देखने को मिला, और यूट्यूब चैनल्स पर भी इन मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर दिया गया, ताकि ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने लगी
और दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं, इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो और इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, इस टाइम आप सभी को ये काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग मूवी लगने वाली है। एक बेहतरीन सिनेमा की मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ चर्चे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हो रखा था और लोग इस मूवी को अंडर एस्टिमेट किया गया था। आई मूवी पर उतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली हुई, उसके बावजूद भी एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चेस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस मूवी के ज़्यादा लंबे समय तक चर्चे देखने को भी मिल जाएगा। हिंदी में इस मूवी को दिसंबर 2 पर रिलीज़ कर दिया गया था और दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मूवी को हिंदी में रिलीज़ करने के सबसे बड़े रीजंस की इस मूवी के हिंदी फैन ने काफ़ी लंबे समय तक इस मूवी को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। और इस मूवी के अलावा मोहनलाल सर पिछले टाइम काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर लीड कास्टिंग काम कर चुके हैं, जिनमें से पुलिमा अग्रम उनके स्टार्टिंग पे ही अच्छी मूवी बन चुकी है 2020 की बिग ब्रदर और मास्टरपीस जैसी मूवी के अंदर उनको लीड कास्ट में देख चुके हैं। और काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनको ऑलरेडी हिंदी वर्जन में प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और लोग एक्सपेक्ट नहीं करने के कि इतनी लो बजटेड मूवी और इतनी मूवी ने भी नेक्स्ट लेवल की कमाई कर रही है और नेक्स्ट लेवल की लोगों को पसंद भी आ रहा है, और जिसको देखते हुए आप भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे और आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड होती हो, तो दोस्तों आप सभी में ये सब वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी जिसकी हिंदी फिल्में के साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में हम आप सभी को जानकारी करवा रहे हैं। एक बेहतरीन मूवी के अलावा इनको 2018 की मूवी 2021 की मरकरन्स लायन ऑफ द अरेवेंस मूवी और दृश्यम की दूसरी सीक्वल वो भी इन्होंने लीड कास्ट किया था। दृश्यम दोस्तों आप सभी को बताया अजय देवगन सर ने हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था, पर दोस्तों वो ओरिजिनली मोहनलाल सर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी रही थी, जिसके सीक्वल रिलीज़ के साथ साथ लोगों को ये मूवी देखना था और लोगों ने भी इंतज़ार किया था ये सब मूवी के हिंदी फिल्में के लिए। हम आप सभी को बता दें, एक बेहतरीन मूवी उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रीमियर कर दिया गया, उनकी काफ़ी सारी मूवी के सक्सेसफुल के रीज़न से लोग इस तरह की मूवी देखना पसंद कर रहे थे। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं कि इस तरह की मूवी आप सभी को देखना पसंद है और इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए आप चाहते हैं एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइए बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर रिलीज़ में लेकर आना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा और ख़ास भी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #हैशटैग मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके कमेंट करिए। एक मोस्टर बेहतरीन मूवी होने के सबसे बड़े रीजंस की मूवी की स्टोरी और इस मूवी की कहानी को देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों काफ़ी सारी मलयालम लैंग्वेज की मूवी रिलीज़ में आने वाली है, काफ़ी सारे अंडर एस्टिमेटेड कैरेक्टर्स और एक्टर्स मूवी के अंदर लीड कास्ट में दिखने को मिल जाएंगे, उसके बावजूद भी ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट में जाने वाली है और आप सभी को भी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लग जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। हिंदी सिनेमा की मूवीज़ के अलावा आप सभी को मलयालम, तेलुगु, तमिल जैसी लैंग्वेज की मूवी ज़्यादा पसंद है या फिर नहीं, आप हमें बता सकते हो। इन दिनों हम आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी के हिंदी रिलीज और प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग भी लगने वाला है। हॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ ऑलरेडी रिलीज में आ रही थी, जिसके प्रीमियर के साथ साथ लोगों को काफ़ी सारी नई अपडेट मिला और लोगों ने भी हमें ऑलरेडी बता चुके थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, और इसी दौरान आप सभी को हम बता चुके हैं ये सब मूवी हिंदी में रिलीज़ में लेके प्रीमियर में लेके आना, तो आप सभी को काफ़ी सारी मूवी देखने को ऑलरेडी मिल गया था और भी ज़्यादा एक्साइटेड मूवी आप सभी को देखना पसंद है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी देखने को भी मिलने वाला है, मलयालम लैंग्वेज में रिलीज़ हुई काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी और उन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो दोस्तों सबसे पहले 2020 के बिग ब्रदर और काफ़ी सारी मूवी है जो मोहनलाल सर ने एज एक्शन एक्टर में अवतार में वो नज़र आ चुकी है, साथ ही साथ मोहनलाल सर की काफ़ी सारी हिंदी सिनेमा के फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों उनके ऑलमोस्ट मलयालम लैंग्वेज की काफ़ी सारी मूवीज़ को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज में लेकर आ चुकी है, जिसके रीज़न से ही उनकी किरदार और प्रीमियर के बारे में लोग चर्चे काफ़ी लंबे समय तक कर रखे थे। और आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा
कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी और वो सब मूवी के रिलीज़ अपडेट के बारे में आप सभी का हम जानकारी कराएंगे। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जानरा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, क्योंकि दोस्तों थ्रिलर मूवी पिछले लंबे समय तक मोहनलाल एज लीड कास्ट काम कर चुके हैं और साथ ही साथ उनकी कास्टिंग पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को लोगों ने अभी भी पसंद करते हैं। और हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को अभी भी लोगों ने हिंदी में देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को इस टाइम ये सब मूवी प्रीमियर में भी लेकर आ चुके थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि दोस्तों ये सब मूवीज़ के अलावा हिंदी सिनेमा पर रिलीज़ हुई काफ़ी सारी मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा मूवी साउथ इंडस्ट्री की मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तेज़ी से पसंद कर रहे थे और वो मूवी को लोगों ने पसंद किया था, जिसके रीज़न से आप सभी को इस वीडियो के अंदर भी ये सब मूवी के रिलीज़ और कहानी के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों # मॉन्स्टर हिंदी डब फुल मूवी लिख के कमेंट करिएगा। साल 2022 में रिलीज हुई मोहनलाल सर की एक बेहतरीन मलयालम लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी मॉन्स्टर हिंदी वर्जन में देखने के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है मोहनलाल सर की इस मूवी को लेकर और पिछले टाइम लोगों ने भी कमेंट करके पूछ रहे थे हमें ये मूवी की हिंदी प्रीमियर देखने के लिए। जैसे कि आप सभी को हम इस मूवी के प्रीमियर और रिलीज के बारे में अपडेट देना पसंद करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें मूवी के अंदर लीड कास्ट में मोहनलाल के साथ होनी रोज, लक्ष्मी मंशु, सदीप नैर और स्वस्तिका जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। 4.4 की रेटिंग मिली हुई थी इस मूवी को। एक एक्शन मूवी को विकास डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। 21 अक्टूबर पर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था। एक बेहतरीन मूवी आप सभी कह सकते हो। डायरेक्टर अश्विन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने भी इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करके काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी खासी मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुके थे। आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है। पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये मूवी वायरल होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट हम देने लगे हैं और आप सभी को भी ये मूवी काफ़ी खासा एक्साइटिंग लगने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स कॉमेंट करिए मॉन्स्टर मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक मलयालम लगेज का एक्शन थ्रिलर मूवी जिसको लिखा है उत्तर कृष्णा ने और प्रोड्यूस किया है एंथोनी सर ने। जैसे कि आप सभी को बताया कि मोहनलाल सर पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। उनकी मूवीज 2018 की आदि, 2016 की उपम, 2016 की पुलिमगरम और 2017 की, जो उसी टाइम उनकी काफ़ी तेज़ी से मूवी आ गई थी और उन मूवीज़ को हिंदी के साथ साथ भी काफ़ी सारे लैंग्वेज में प्रीमियर कर दिया जा रहा था और ये सब मूवी ऑलरेडी हिंदी वर्जन में आ चुकी है। आप लोगों में से कन कन मलयालम लैंग्वेज की मूवी को ज़्यादा पसंद करती हो, आप हमें बताइए कि दोस्तों पिछले टाइम KGF चैप्टर और दोस्तों आप सभी को पता है कि काफ़ी सारी मूवी कन्नड़ा लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज या फिर तेलुगु लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कर रही थी और वो सब मूवी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी मूवी देखना पसंद है और किस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक करके बताइए। 2017 में विशाल सर के साथ मोहनलाल एक कोलैबोरेशन नई मूवी आ रही थी जिसमें हंसिका एज अ लीड कास्ट काम कर रही थी। आप लोगों में से कौन कौन इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और इस तरह की मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हो? सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक करिए। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रहा था। मॉन्स्टर मूवी जिसके 2022 पर रिलीज़ करने की बात चल रही थी और एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी जिसको हाल ही में ही काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर रिलीज़ कर दिया जा चुका है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा हिंदी वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क एक बेहतरीन सिनेमा की नेटवर्क बन चुकी है जिसने पिछले टाइम काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी को प्रीमियर में लेकर आ चुकी है। एक मॉन्स्टर मूवी को हिंदी में प्रीमियर करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इस मूवी का राइट्स था और पिछले टाइम इस मूवी को लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए हिंदी में, जिसके दौरान आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए आप सभी को हम बता चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे? तो दोस्तों आप
फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है मॉन्स्टर मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर आप देख पाओगे। एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ रिलीज अपडेट काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था और इस मूवी के एक्साइटिंग स्टोरी और इस मूवी के OTT पर भी प्रीमियर कर दिया जा रहा था। मोहनलाल एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी को लेकर इस टाइम इस मूवी के तरफ बढ़ चुके थे और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्च मिल रहा था इन मूवीज़ को लेकर और लोगों को ये सब मूवी देखना था, जिससे दौरान आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट देने लगे। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, साथ ही साथ मॉन्स्टर की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों हिंदी डब 2022 की ये मूवी को लोगों ने देखना पसंद कर रहे थे और जिसके दौरान आप सभी को मॉन्स्टर एज अ लीड कास्ट मोहनलाल एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके रीज़न से इस मूवी के टीजर और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने इस मूवी को राइट्स लेकर रखा, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इतनी अच्छी मूवी होने लगी है। क्योंकि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड और अंडरएस्टिमेटेड मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा था, इस टाइम मोहनलाल एज अ लीड कास्टिंग ये सब मूवी के अंदर काम करने लगे, जिसको देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है उनकी ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए भी। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है। मलयालम लैंग्वेज की बात करो या फिर आप लोगों ने तेलुगु इंडस्ट्री की बात करो, काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है और वो सब मूवी के अलावा आप सभी को इस टाइम इस तरह के जॉनरा की मूवी को देखने को मिलना और काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के ऑलरेडी चर्चे रहना आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। मॉन्स्टर मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में रिलीज करने के बाद फिर से टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था मूवी के क्लिप्स और लोगों को इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए भी इंतजार था। हम आप सभी को बता दें ये एक थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी रहने के साथ साथ इस मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे होनी रोज, लक्ष्मी मांचू और सुधीर नायर जैसे एक्टर जो मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। 2021 की इस मूवी को IMDb पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर इस मूवी को देख पाओगे। हॉटस्टार नेटवर्क के साथ साथ काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर इस मूवी को रिलीज़ भी कर दिया जा चुका है और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्चेज और काफ़ी ज़्यादा इन मूवी के चर्चे रहने के रीज़न से हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज और इस तरह के जानर की मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने लगे हैं और एक बेहतरीन मूवी आप कह सकती हो इस मूवी को देखकर, क्योंकि दोस्तों एक थ्रिलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी अच्छी बात रहती है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था। जब ये मूवी को प्रीमियर कर दिया उसके तुरंत बाद लोगों के बारे में अपडेट लेने लगे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में तब इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी देखने को मिला और यूट्यूब चैनल्स पर भी इन मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर दिया गया ताकि ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने लगी। और दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं, इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो और इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, इस टाइम आप सभी को ये काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग मूवी लगने वाली है। एक बेहतरीन सिनेमा की मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ चर्चे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हो रखा था और लोग इस मूवी को अंडर एस्टिमेट किया गया था, IMDb पर उतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली हुई, उसके बावजूद भी एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा सर्चेस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस मूवी के ज़्यादा लंबे समय तक चर्चे देखने को भी मिल जाएगा। हिंदी में इस मूवी को December 2 पर रिलीज़ कर दिया गया था और दोस्तों आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी में रिलीज़ करने के सबसे बड़े रीजंस की इस मूवी के हिंदी फैन ने काफ़ी लंबे समय तक इस मूवी को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे और इस मूवी के अलावा मोहनलाल सर पिछले टाइम काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर लीड कास्टिंग काम कर चुके हैं, जिनमें से पुलिमारम उनके स्टार्टिंग पे ही अच्छी मूवी बन चुकी है, 2020 की बिग ब्रदर और मास्टरपीस जैसी मूवी के अंदर उनको लीड कास्ट में देख चुके हैं और काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनको ऑलरेडी हिंदी वर्जन में प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और लोग एक्सपेक्ट नहीं करने के कि इतनी लो बजटेड मूवी और इतनी मूवी ने भी नेक्स्ट लेवल की कमाई कर रही है और नेक्स्ट लेवल की लोगों को पसंद भी आ रहा है और जिसको देखते हुए आप भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे और आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्में के लिए एक्साइटेड होते हो। तो दोस्तों आप सभी में ये सब वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा, एक बेहतरीन मूवी जिसकी हिंदी फिल्में के साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक चर्चे होने के रीज़न से
आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में हम आप सभी को जानकारी करवा रहे हैं। एक बेहतरीन मूवी के अलावा इनको 2018 की मूवी 2021 की मार्करनस लाइन ऑफ द अरेवेंस मूवी और दृश्यम की दूसरी सिकल वो भी इन्होंने लीड कास्ट किया था। दृश्यम दोस्तों आप सभी को बताया अजय देवगन सर ने हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था, पर दोस्तों वो ओरिजिनली मोहनलाल सर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी रही थी, जिसके सिक्वल रिलीज़ के साथ साथ लोगों को ये मूवी देखना था और लोगों ने भी इंतज़ार किया था ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। हम आप सभी को बता दें एक बेहतरीन मूवी उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रीमियर कर दिया गया। उनकी काफ़ी सारी मूवी के सक्सेसफुल के रीज़न से लोग इस तरह की मूवी देखना पसंद कर रहे थे। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं कि इस तरह की मूवी आप सभी को देखना पसंद है और इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए आप चाहते हैं एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइए बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर रिलीज़ में लेकर आना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा और ख़ास भी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में #मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके कमेंट करिए। एक मोस्टर बेहतरीन मूवी होने के सबसे बड़े रीजंस की मूवी की स्टोरी और इस मूवी की कहानी को देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों काफ़ी सारी मलयालम लैंग्वेज की मूवी रिलीज में आने वाली है, काफ़ी सारे अंडर एस्टिमेटेड कैरेक्टर्स और एक्टर्स मूवी के अंदर लीड कास्ट में दिखने को मिल जाएंगे, उसके बावजूद भी ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट में जाने वाली है और आप सभी को भी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लग जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। हिंदी सिनेमा की मूवीज़ के अलावा आप सभी को मलयालम, तेलुगू, तमिल जैसी लैंग्वेज की मूवी ज़्यादा पसंद है या फिर नहीं, आप हमें बता सकते हो। इन दिनों हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के हिंदी रिलीज और प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग भी लगने वाला है। हॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज ऑलरेडी रिलीज में आ रही थी, जिसके प्रीमियर के साथ साथ लोगों को काफ़ी सारी नई अपडेट मिला और लोगों ने भी हमें ऑलरेडी बता चुके थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, और इसी दौरान आप सभी को हम बता चुके हैं ये सब मूवी हिंदी में रिलीज में लेके प्रीमियर में लेके आना। तो आप सभी को काफ़ी सारी मूवी देखने को ऑलरेडी मिल गया था और भी ज़्यादा एक्साइटेड मूवी आप सभी को देखना पसंद है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी देखने को भी मिलने वाला है, मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी और उन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो दोस्तों सबसे पहले 2020 के बिग ब्रदर और काफ़ी सारी मूवी है जो मोहनलाल सर ने एज एक्शन एक्टर में अवतार में वो नज़र आ चुकी है। साथ ही साथ मोहनलाल सर की काफ़ी सारी हिंदी सिनेमा के फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों उनके ऑलमोस्ट मलयालम लैंग्वेज की काफ़ी सारी मूवीज़ को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज में लेकर आ चुकी है, जिसके रीज़न से ही उनकी किरदार और प्रीमियर के बारे में लोग चर्चे काफ़ी लंबे समय तक कर रखे थे। और आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी और वो सब मूवी के रिलीज़ अपडेट के बारे में आप सभी का हम जानकारी कराएंगे। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जानरा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, क्योंकि दोस्तों थ्रिलर मूवी पिछले लंबे समय तक मोहनलाल एज लीड कास्ट काम कर चुके हैं और साथ ही साथ उनकी कास्टिंग पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को लोगों ने अभी भी पसंद करते हैं। और हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को अभी भी लोगों ने हिंदी में देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को इस टाइम ये सब मूवी प्रीमियर में भी लेकर आ चुके थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि दोस्तों ये सब मूवीज़ के अलावा हिंदी सिनेमा पर रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा मूवी साउथ इंडस्ट्री की मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तेज़ी से पसंद कर रहे थे और वो मूवी को लोगों ने पसंद किया था, जिसके रीज़न से आप सभी को इस वीडियो के अंदर भी ये सब मूवी के रिलीज़ और कहानी के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों # मोस्टर हिंदी डब फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। साल 2022 में रिलीज हुई मोहनलाल सर की एक बेहतरीन मलयालम लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी मॉन्स्टर हिंदी वर्जन में देखने के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है मोहनलाल सर की इस मूवी को लेकर और पिछले टाइम लोगों ने भी कमेंट करके पूछ रहे थे हमें ये मूवी की हिंदी प्रीमियर देखने के लिए। जैसे कि आप सभी को हम इस मूवी के प्रीमियर रिलीज के बारे में अपडेट देना पसंद करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें मूवी के अंदर लीड कास्ट में मोहनलाल के साथ होनी रोज
एच लक्ष्मी मंशु सदीप नेर और स्वस्तिका जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। 4.4 की रेटिंग मिली हुई थी इस मूवी को। एक एक्शन मूवी को विकेश डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। 21 अक्टूबर पर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था। एक बेहतरीन मूवी आप सभी कह सकते हो। डायरेक्टर अश्विन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने भी इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करके काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी खासी मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुके थे। आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है। पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये मूवी वायरल होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट हम देने लगे हैं और आप सभी को भी ये मूवी काफ़ी खास एक्साइटिंग लगने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए मॉन्स्टर मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक मलयालम लगेज के एक्शन थ्रिलर मूवी जिसको लिखा है उत्तर कृष्णा ने और प्रोड्यूस किया है एंथनी सर ने। जैसे कि आप सभी को बताया कि मोहनलाल सर पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। उनकी मूवीज 2018 की आदि, 2016 की उपम, 2016 की पुलिमगरम और 2017 की, जो कि उसी टाइम उनकी काफ़ी तेज़ी से मूवी आ गई थी और उन मूवीज़ को हिंदी के साथ साथ भी काफ़ी सारे लैंग्वेज में प्रीमियर कर दिया जा रहा था और यह सब मूवी ऑलरेडी हिंदी वर्जन में आ चुकी है। आप लोगों में से कन कन मलयालम लैंग्वेज की मूवी को ज़्यादा पसंद करते हो, आप हमें बताइए कि दोस्तों पिछले टाइम KGF चैप्टर और दोस्तों आप सभी को पता है कि काफ़ी सारी मूवी कनाडा लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज या फिर तेलुगु लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कर रही थी और वो सब मूवी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस टाइम मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी मूवी देखना पसंद है और किस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक करके बताइए। 2017 में विशाल सर के साथ मोहनलाल एक कोलैबोरेशन नई मूवी आ रही थी जिसमें हंसिका एज अ लीड कास्ट काम कर रही थी। आप लोगों में से कौन कौन इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और इस तरह के मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रहा था। मॉन्स्टर मूवी जिसके 2022 पर रिलीज करने की बात चल रही थी और एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी जिसको हाल ही में ही काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा हिंदी वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क एक बेहतरीन सिनेमा की नेटवर्क बन चुकी है जिसने पिछले टाइम काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी को प्रीमियर में लेकर आ चुकी है। एक मॉन्स्टर मूवी को हिंदी में प्रीमियर करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इस मूवी का राइट्स था और पिछले टाइम इस मूवी को लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे देखने के लिए हिंदी में, जिसके दौरान आप सभी को इस मूवी के रिलीज, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए आप सभी को हम बता चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों अब फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है। मॉन्स्टर मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर आप देख पाओगे। एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ रिलीज अपडेट काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था और इस मूवी के एक्साइटिंग स्टोरी और इस मूवी के OTT पर भी प्रीमियर कर दिया जा रहा था। मोहनलाल एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी को लेकर इस टाइम इस मूवी के तरफ बढ़ चुके थे और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्च मिल रहा था इन मूवीज़ को लेकर और लोगों को ये सब मूवी देखना था, जिससे दौरान आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट देने लगे। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, साथ ही साथ मॉन्स्टर की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों हिंदी डब 2022 की ये मूवी को लोगों ने देखना पसंद कर रहे थे और जिसके दौरान आप सभी को मॉन्स्टर एज अ लीड कास्ट मोहनलाल एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके रीज़न से इस मूवी के टीजर और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने इस मूवी को राइट्स लेकर रखा, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इतनी अच्छी मूवी होने लगी है। क्योंकि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड और अंडरएस्टिमेटेड मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा था। इस टाइम मोहनलाल एज अ लीड कास्टिंग ये सब मूवी के अंदर काम करने लगे, जिसको देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है उनकी ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए भी। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है। मलयालम लैंग्वेज की बात करो या फिर आप लोगों ने तेलुगु इंडस्ट्री की बात करो, काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है और वो सब मूवी के अलावा आप सभी को
इस टाइम इस तरह के जॉनर की मूवी को देखने को मिलना और काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के ऑलरेडी चर्चे रहना आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। मॉन्स्टर मूवी डिज्नी प्लस रिटर्न नेटवर्क में रिलीज करने के बाद फिर से टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था मूवी के क्लिप्स और लोगों को इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए भी इंतजार था। हम आप सभी को बता दें ये एक थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी रहने के साथ साथ इस मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे होनी रोज, लक्ष्मी मांचू और सुधीर नायर जैसे एक्टर जो मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। 2021 के इस मूवी को IMDb पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर इस मूवी को देख पाओगे। हॉटस्टार नेटवर्क के साथ साथ काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर इस मूवी को रिलीज़ भी कर दिया जा चुका है और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्चेज और काफ़ी ज़्यादा इन मूवी के चर्चे रहने के रीज़न से हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज़ और इस तरह के जानर की मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने लगे हैं और एक बेहतरीन मूवी आप कह सकती हो इस मूवी को देखकर, क्योंकि दोस्तों एक थ्रिलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी अच्छी बात रहती है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था। जब ये मूवी को प्रीमियर कर दिया उसके तुरंत बाद लोगों के बारे में अपडेट लेने लगे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में तब इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी देखने को मिला और यूट्यूब चैनल्स पर भी इन मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर दिया गया ताकि ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने लगी। और दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं, इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो और इस मूवी की हिंदी फिल्म के लिए इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, इस टाइम आप सभी को ये काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग मूवी लगने वाली है, एक बेहतरीन सिनेमा की मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ चर्चे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हो रखा था और लोग इस मूवी को अंडर एस्टिमेट किया गया था। IMDb पर उतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली हुई, उसके बावजूद भी एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चेस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस मूवी के ज़्यादा लंबे समय तक चर्चे देखने को भी मिल जाएगा। हिंदी में इस मूवी को December 2 पर रिलीज़ कर दिया गया था और दोस्तों आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी में रिलीज़ करने के सबसे बड़े रीजंस की इस मूवी के हिंदी फैन ने काफ़ी लंबे समय तक इस मूवी को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे और इस मूवी के अलावा मोहनलाल सर पिछले टाइम काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर लीड कास्टिंग काम कर चुके हैं जिनमें से पुलिमारम उनके स्टार्टिंग पे ही अच्छी मूवी बन चुकी है 2020 की बिग ब्रदर और मास्टरपीस जैसी मूवी के अंदर उनको लीड कास्ट में देख चुके हैं और काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनको ऑलरेडी हिंदी वर्जन में प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और लोग एक्सपेक्ट नहीं करने के कि इतनी लो बजटेड मूवी और इतनी मूवी ने भी नेक्स्ट लेवल की कमाई कर रही है और नेक्स्ट लेवल की लोगों को पसंद भी आ रहा है और जिसको देखते हुए आप भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे और आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्म के लिए एक्साइटेड होते हो तो दोस्तों आप सभी में ये सब वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी जिसकी हिंदी फिल्म के साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में हम आप सभी को जानकारी करवा रहे हैं। एक बेहतरीन मूवी के अलावा इनको 2018 की मूवी 2021 की मार्कनस लाइन ऑफ द अरेवेंस मूवी और दृश्यम की दूसरी सिकल वो भी इन्होंने लीड कास्ट किया था। दृश्यम दोस्तों आप सभी को बताया अजय देवगन सर ने हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था पर दोस्तों वो ओरिजिनली मोहनलाल सर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी रही थी जिसके सीक्वल रिलीज़ के साथ साथ लोगों को ये मूवी देखना था और लोगों ने भी इंतज़ार किया था ये सब मूवी के हिंदी फिल्म के लिए। हम आप सभी को बता दें एक बेहतरीन मूवी उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रीमियर कर दिया गया, उनकी काफ़ी सारी मूवी के सक्सेसफुल के रीज़न से लोग इस तरह की मूवी देखना पसंद कर रहे थे। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं कि इस तरह की मूवी आप सभी को देखना पसंद है और इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए आप चाहते हैं एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइए बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर रिलीज में लेकर आना चाहते हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा और ख़ास भी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके कमेंट करिए। एक मोस्टर बेहतरीन मूवी होने के सबसे बड़े रीजंस की मूवी की स्टोरी और इस मूवी की कहानी को देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों काफ़ी सारी मलयालम लैंग्वेज की मूवी रिलीज़ में आने वाली है, काफ़ी सारे अंडर एस्टिमेटेड कैरेक्टर्स और एक्टर्स मूवी के अंदर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे, उसके बावजूद भी ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट में जाने वाली है और आप सभी को भी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लग जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। हिंदी सिनेमा की मूवीज़ के अलावा आप सभी को
मलयालम, तेलुगू, तमिल जैसी लैंग्वेज की मूवी ज़्यादा पसंद है या फिर नहीं, आप हमें बता सकते हो। इन दिनों हम आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी के हिंदी रिलीज और प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग भी लगने वाला है। हॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज ऑलरेडी रिलीज में आ रही थी, जिसके प्रीमियर के साथ साथ लोगों को काफ़ी सारी नई अपडेट मिला और लोगों ने भी हमें ऑलरेडी बता चुके थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए। और इसी दौरान आप सभी को हम बता चुके हैं ये सब मूवी हिंदी में रिलीज में लेके प्रीमियर में लेके आना, तो आप सभी को काफ़ी सारी मूवी देखने को ऑलरेडी मिल गया था और भी ज़्यादा एक्साइटेड मूवी आप सभी को देखना पसंद है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी देखने को भी मिलने वाला है। मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी और उन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। दोस्तों सबसे पहले 2020 के बिग ब्रदर और काफ़ी सारी मूवी है जो मोहनलाल सर ने एज एक्शन एक्टर में अवतार में वो नज़र आ चुकी है। साथ ही साथ मोहनलाल सर की काफ़ी सारी हिंदी सिनेमा के फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों उनकी ऑलमोस्ट मलयालम लैंग्वेज की काफ़ी सारी मूवीज़ को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज में लेकर आ चुकी है, जिसके रीज़न से ही उनकी किरदार और प्रीमियर के बारे में लोग चर्चे काफ़ी लंबे समय तक कर रखे थे। और आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी और वो सब मूवी के रिलीज़ अपडेट के बारे में आप सभी का हम जानकारी कराएंगे। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, क्योंकि दोस्तों थ्रिलर मूवी पिछले लंबे समय तक मोहनलाल एज लीड कास्ट काम कर चुके हैं और साथ ही साथ उनकी कास्टिंग पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को लोगों ने अभी भी पसंद करते हैं। और हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को अभी भी लोगों ने हिंदी में देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को इस टाइम ये सब मूवी प्रीमियर में भी लेकर आ चुके थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि दोस्तों ये सब मूवीज़ के अलावा हिंदी सिनेमा पर रिलीज़ हुई काफ़ी सारी मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा मूवी साउथ इंडस्ट्री की मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तेज़ी से पसंद कर रहे थे और वो मूवी को लोगों ने पसंद किया था, जिसके रीज़न से आप सभी को इस वीडियो के अंदर भी ये सब मूवी के रिलीज़ और कहानी के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों # मॉन्स्टर हिंदी डब फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। साल 2022 में रिलीज हुई मोहनलाल सर की एक बेहतरीन मलयालम लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी मॉन्स्टर हिंदी वर्जन में देखने के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है मोहनलाल सर की इस मूवी को लेकर और पिछले टाइम लोगों ने भी कमेंट करके पूछ रहे थे हमें ये मूवी की हिंदी प्रीमियर देखने के लिए। जैसे कि आप सभी को हम इस मूवी के प्रीमियर रिलीज के बारे में अपडेट देना पसंद करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें मूवी के अंदर लेट कास्ट में मोहनलाल के साथ होनी रोज, लक्ष्मी मंचू, सदीप नेर और स्वस्तिका जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। 1.4 की रेटिंग मिली हुई थी इस मूवी को। एक एक्शन मूवी को विकेश डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। 21 अक्टूबर पर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था। एक बेहतरीन मूवी आप सभी कह सकते हो। डायरेक्टर अश्विंदर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने भी इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करके काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी खासी मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुके थे। आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है। पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये मूवी वायरल होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट हम देने लगे हैं और आप सभी को भी ये मूवी काफ़ी खास एक्साइटिंग लगने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करिए मॉन्स्टर मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक मलयालम लगेज के एक्शन थ्रिलर मूवी जिसको लिखा है उत्तर कृष्णा ने और प्रोड्यूस किया है एंथोनी सर ने। जैसे कि आप सभी को बताया कि मोहनलाल सर पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। उनकी मूवीज 2018 की आदि, 2016 की उपम, 2016 की पुलिमगरम और 2017 की, जो कि उसी टाइम उनकी काफ़ी तेज़ी से मूवी आ गई थी और उन मूवीज़ को हिंदी के साथ साथ भी काफ़ी सारे लैंग्वेज में प्रीमियर कर दिया जा रहा था और ये सब मूवी ऑलरेडी हिंदी वर्जन में आ चुकी है। आप लोगों में से कन कन मलयालम लैंग्वेज की मूवी को ज़्यादा पसंद करती हो, आप हमें बताइए कि दोस्तों पिछले टाइम KGF चैप्टर और दोस्तों आप सभी को बताया कि काफ़ी सारी मूवी
कनाडा लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज या फिर तेलुगु लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कर रही थी और वो सब मूवी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस टाइम में आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी मूवी देखना पसंद है और किस तरह के जॉनर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। सबसे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक करके बताइए। 2017 में विशाल सर के साथ मोहनलाल एक कोलैबोरेशन नई मूवी आ रही थी जिसमें हंसिका एज अ लीड कास्ट काम कर रही थी। आप लोगों में से कौन कौन इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और इस तरह के मूवीज देखना ज़्यादा पसंद करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रहा था। मॉन्स्टर मूवी जिसके 2022 पर रिलीज करने की बात चल रही थी और एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी जिसको हाल ही में ही काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जा चुका है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा हिंदी वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क एक बेहतरीन सिनेमा के नेटवर्क बन चुकी है जिसने पिछले टाइम काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी को प्रीमियर में लेकर आ चुकी है। एक मॉन्स्टर मूवी को हिंदी में प्रीमियर करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इस मूवी का राइट्स था और पिछले टाइम इस मूवी को लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार कर रहे थे देखने के लिए हिंदी में, जिसके दौरान आप सभी को इस मूवी के रिलीज, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए आप सभी को हम बता चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आप फाइनली इंतज़ार खत्म हो चुका है। मॉन्स्टर मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर आप देख पाओगे, एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ रिलीज अपडेट काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था और इस मूवी के एक्साइटिंग स्टोरी और इस मूवी के OTT पर भी प्रीमियर कर दिया जा रहा था। मोहनलाल एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी को लेकर इस टाइम इस मूवी के तरफ बढ़ चुके थे और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्च मिल रहा था इन मूवीज़ को लेकर और लोगों को यह सब मूवी देखना था, जिससे दौरान आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट देने लगे। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, साथ ही साथ मॉन्स्टर की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों, हिंदी डब 2022 की ये मूवी को लोगों ने देखना पसंद कर रहे थे और जिसके दौरान आप सभी को मॉन्स्टर एज अ लीड कास्ट मोहनलाल एज अ लीड कास्ट मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके रीज़न से इस मूवी के टीजर और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने इस मूवी को राइट्स लेकर रखा, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इतनी अच्छी मूवी होने लगी है, क्योंकि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड और अंडरएस्टिमेटेड मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा था। इस टाइम मोहनलाल एज अ लीड कास्टिंग ये सब मूवी के अंदर काम करने लगे, जिसको देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है उनकी ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए भी। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है। मलयालम लैंग्वेज की बात करो या फिर आप लोगों ने तेलुगु इंडस्ट्री की बात करो, काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है और वो सब मूवी के अलावा आप सभी को इस टाइम इस तरह के जॉनर की मूवी को देखने को मिलना और काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के ऑलरेडी चर्चे रहना आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। मॉन्स्टर मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में रिलीज करने के बाद फिर से टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था मूवी के क्लिप्स और लोगों को इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए भी इंतजार था। हम आप सभी को बता दें, ये एक थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी रहने के साथ साथ इस मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे होनी रोज, लक्ष्मी मांचू और सुधीर नायर जैसे एक्टर जो मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। 2021 के इस मूवी को IMDb पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर इस मूवी को देख पाओगे। हॉटस्टार नेटवर्क के साथ साथ काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर इस मूवी को रिलीज़ भी कर दिया जा चुका है और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्चेस और काफ़ी ज़्यादा इन मूवी के चर्चे रहने के रीज़न से हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज़ और इस तरह के जानरा की मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने लगे हैं और एक बेहतरीन मूवी आप कह सकती हो इस मूवी को देखकर, क्योंकि दोस्तों एक थ्रिलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी अच्छी बात रहती है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था। जब ये मूवी को प्रीमियर कर दिया उसके तुरंत बाद लोगों के बारे में अपडेट लेने लगे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में तब इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी देखने को मिला और यूट्यूब चैनल पर भी इन मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर दिया गया ताकि ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने लगी।
और दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं, इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो और इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, इस टाइम आप सभी को ये काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग मूवी लगने वाली है। एक बेहतरीन सिनेमा की मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ चर्चे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हो रखा था और लोग इस मूवी को अंडर एस्टिमेट किया गया था। IMDb पर उतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली हुई, उसके बावजूद भी एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चेस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस मूवी के ज़्यादा लंबे समय तक चर्चे देखने को भी मिल जाएगा। हिंदी में इस मूवी को December 2 पर रिलीज़ कर दिया गया था और दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मूवी को हिंदी में रिलीज़ करने के सबसे बड़े रीजंस की इस मूवी की हिंदी फैन ने काफ़ी लंबे समय तक इस मूवी को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। और इस मूवी के अलावा मोहनलाल सर पिछले टाइम काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर लीड कास्टिंग काम कर चुके हैं, जिनमें से पुली मारूम उनके स्टार्टिंग पे ही अच्छी मूवी बन चुकी है। 2020 की बिग ब्रदर और मास्टरपीस जैसी मूवी के अंदर उनको लीड कास्ट में देख चुके हैं और काफ़ी सारी मूवीज है जिनको ऑलरेडी हिंदी वर्जन में प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और लोग एक्सपेक्ट नहीं करने के कि इतनी लो बजटेड मूवी और इतनी मूवी ने भी नेक्स्ट लेवल की कमाई कर रही है और नेक्स्ट लेवल की लोगों को पसंद भी आ रहा है और जिसको देखते हुए आप भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे और आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस तरह के जॉनर की हिंदी फिल्म के लिए एक्साइटेड होते हो, तो दोस्तों आप सभी में ये सब वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी जिसके हिंदी फिल्म के साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक चर्चे होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में हम आप सभी को जानकारी करवा रहे हैं। एक बेहतरीन मूवी के अलावा इनको 2018 की मूवी 2021 की मरकरन्स लाइन ऑफ द अरेवेंस मूवी और दृश्यम की दूसरी सिकल वो भी इन्होंने लीड कास्ट किया था। दृश्यम दोस्तों आप सभी को बताया अजय देवगन सर ने हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था, पर दोस्तों वो ओरिजिनली मोहनलाल सर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी रही थी, जिसके सीक्वल रिलीज़ के साथ साथ लोगों को ये मूवी देखना था और लोगों ने भी इंतज़ार किया था ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए। हम आप सभी को बता दें, एक बेहतरीन मूवी उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रीमियर कर दिया गया। उनकी काफ़ी सारी मूवी के सक्सेसफुल के रीज़न से लोग इस तरह की मूवी देखना पसंद कर रहे थे। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं कि इस तरह की मूवी आप सभी को देखना पसंद है और इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए आप चाहते हैं एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइए बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर रिलीज़ में लेकर आना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा और ख़ास भी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #  मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके कमेंट करिए। एक मोस्ट और बेहतरीन मूवी होने के सबसे बड़े रीजंस की मूवी की स्टोरी और इस मूवी की कहानी को देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों काफ़ी सारी मलयालम लैंग्वेज की मूवी रिलीज़ में आने वाली है, काफ़ी सारे अंडर एस्टिमेटेड कैरेक्टर्स और एक्टर्स मूवी के अंदर लीड कास्ट में दिखने को मिल जाएंगे, उसके बावजूद भी ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट में जाने वाली है और आप सभी को भी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लग जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। हिंदी सिनेमा की मूवीज़ के अलावा आप सभी को मलयालम, तेलुगु, तमिल जैसी लैंग्वेज की मूवी ज़्यादा पसंद है या फिर नहीं, आप हमें बता सकते हो। इन दिनों हम आप सभी को काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के हिंदी रिलीज़ और प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग भी लगने वाला है। हॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ ऑलरेडी रिलीज में आ रही थी, जिसके प्रीमियर के साथ साथ लोगों को काफ़ी सारे नए अपडेट मिला और लोगों ने भी हमें ऑलरेडी बता चुके थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए, और इसी दौरान आप सभी को हम बता चुके हैं ये सब मूवी हिंदी में रिलीज़ में लेके प्रीमियर में लेके आना, तो आप सभी को काफ़ी सारी मूवी देखने को ऑलरेडी मिल गया था और भी ज़्यादा एक्साइटेड मूवी आप सभी को देखना पसंद है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी देखने को भी मिलने वाला है, मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी और उन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो दोस्तों सबसे पहले 2020 के बिग ब्रदर और काफ़ी सारी मूवी है जो मोहनलाल सर ने एज अ एक्शन एक्टर में अवतार में वो नज़र आ चुकी है। साथ ही साथ मोहनलाल सर की काफ़ी सारी हिंदी सिनेमा के फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों उनकी ऑलमोस्ट मलयालम लैंग्वेज की काफ़ी सारी मूवीज़ को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज़ में लेकर आ चुकी है, जिसके रीज़न से ही उनकी किरदार और प्रीमियर के बारे में लोग चर्चे काफ़ी लंबे समय तक कर रखे थे। और आप लोगों ने हमें बताइए, इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा
कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी और वो सब मूवी के रिलीज़ अपडेट के बारे में आप सभी का हम जानकारी कराएंगे। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, क्योंकि दोस्तों थ्रिलर मूवी पिछले लंबे समय तक मोहनलाल एज लीड कास्ट काम कर चुके हैं और साथ ही साथ उनकी कास्टिंग पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को लोगों ने अभी भी पसंद करते हैं। और हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को अभी भी लोगों ने हिंदी में देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को इस टाइम ये सब मूवी प्रीमियर में भी लेकर आ चुके थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि दोस्तों ये सब मूवीज़ के अलावा हिंदी सिनेमा पर रिलीज़ हुई काफ़ी सारी मूवीज आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा मूवी साउथ इंडस्ट्री की मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तेज़ी से पसंद कर रहे थे और वो मूवी को लोगों ने पसंद किया था, जिसके रीज़न से आप सभी को इस वीडियो के अंदर भी ये सब मूवी के रिलीज़ और कहानी के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों # मॉन्स्टर हिंदी डब फुल मूवी लग के कमेंट करिएगा। साल 2022 में रिलीज हुई मोहनलाल सर की एक बेहतरीन मलयालम लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी मॉन्स्टर हिंदी वर्जन में देखने के लिए एक्साइटेड हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। जी हां दोस्तों, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है मोहनलाल सर की इस मूवी को लेकर और पिछले टाइम लोगों ने भी कमेंट करके पूछ रहे थे हमें ये मूवी की हिंदी प्रीमियर देखने के लिए। जैसे कि आप सभी को हम इस मूवी के प्रीमियर और रिलीज़ के बारे में अपडेट देना पसंद करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें मूवी के अंदर लीड कास्ट में मोहनलाल के साथ होनी रोज, लक्ष्मी मंचू, सदीप नैर और स्वस्तिका जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। 1.4 की रेटिंग मिली हुई थी इस मूवी को। एक एक्शन मूवी को विकास डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। 21 अक्टूबर पर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था। एक बेहतरीन मूवी आप सभी कह सकते हो। डायरेक्टर अश्विन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने भी इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करके काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी खासी मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुके थे। आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है। पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये मूवी वायरल होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट हम देने लगे हैं और आप सभी को भी ये मूवी काफ़ी खास एक्साइटिंग लगने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करिए मॉन्स्टर मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है। जी हाँ दोस्तों, एक मलयालम लगेज के एक्शन थ्रिलर मूवी जिसको लिखा है उत्तर कृष्णा ने और प्रोड्यूस किया है एंथोनी सर ने। जैसे कि आप सभी को बताया कि मोहनलाल सर पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे थे। उनकी मूवीज 2018 की आदि, 2016 की उपम, 2016 की पुलिमगरम और 2017 की, जो उसी टाइम उनकी काफ़ी तेज़ी से मूवी आ गई थी और उन मूवीज़ को हिंदी के साथ साथ भी काफ़ी सारे लैंग्वेज में प्रीमियर कर दिया जा रहा था और ये सब मूवी ऑलरेडी हिंदी वर्जन में आ चुकी है। आप लोगों में से कन कन मलयालम लैंग्वेज की मूवी को ज़्यादा पसंद करती हो, आप हमें बताइए कि दोस्तों पिछले टाइम KGF चैप्टर और दोस्तों आप सभी को पता है कि काफ़ी सारी मूवी कन्नड़ा लैंग्वेज, मलयालम लैंग्वेज या फिर तेलुगु लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कर रही थी और वो सब मूवी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस टाइम में आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस तरह की मूवीज़ के अलावा आप सभी को कौन सी मूवी देखना पसंद है और किस तरह के जानर की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके बताइए। 2017 में विशाल सर के साथ मोहनलाल एक कोलैबोरेशन नई मूवी आ रही थी जिसमें हंसिका एज अ लीड कास्ट काम कर रही थी। आप लोगों में से कौन कौन इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और इस तरह के मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हो, सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करिए। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रहा था। मॉन्स्टर मूवी जिसके 2022 पर रिलीज़ करने की बात चल रही थी और एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी जिसको हाल ही में ही काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर रिलीज़ कर दिया जा चुका है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर ये मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगा हिंदी वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क एक बेहतरीन सिनेमा की नेटवर्क बन चुकी है जिसने पिछले टाइम काफ़ी सारी सक्सेसफुल मूवी को प्रीमियर में लेकर आ चुकी है। एक मॉन्स्टर मूवी को हिंदी में प्रीमियर करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इस मूवी का राइट्स था और पिछले टाइम इस मूवी को लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे देखने के लिए हिंदी में, जिसके दौरान आप सभी को इस मूवी के रिलीज़, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए आप सभी को हम बता चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों आप
फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है मॉन्स्टर मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर आप देख पाओगे। एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ रिलीज अपडेट काफ़ी लंबे समय तक हो रखा था और इस मूवी के एक्साइटिंग स्टोरी और इस मूवी के OTT पर भी प्रीमियर कर दिया जा रहा था। मोहनलाल एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी को लेकर इस टाइम इस मूवी के तरफ बढ़ चुके थे और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्च मिल रहा था इन मूवीज़ को लेकर और लोगों को ये सब मूवी देखना था, जिससे दौरान आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट देने लगे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, साथ ही साथ मॉन्स्टर की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड थे। तो दोस्तों हिंदी डब 2022 की ये मूवी को लोगों ने देखना पसंद कर रहे थे और जिसके दौरान आप सभी को मॉन्स्टर एज ए लीड कास्ट मोहनलाल एज ए लीड कास्ट मूवी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके रीज़न से इस मूवी के टीजर और ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने इस मूवी को राइट्स लेकर रखा, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क के पास इतनी अच्छी मूवी होने लगी है। क्योंकि दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क ने पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड और अंडरएस्टिमेटेड मूवी को इंट्रोड्यूस कर रहा था। इस टाइम मोहनलाल एज ए लीड कास्टिंग ये सब मूवी के अंदर काम करने लगे, जिसको देखते हुए लोग अभी एक्साइटेड है उनकी ये सब मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए भी। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है। मलयालम लैंग्वेज की बात करो या फिर आप लोगों ने तेलुगु इंडस्ट्री की बात करो, काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में आ चुकी है और वो सब मूवी के अलावा आप सभी को इस टाइम इस तरह के जॉनरा की मूवी को देखने को मिलना और काफ़ी सारे एक्साइटिंग मूवी के ऑलरेडी चर्चे रहना आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। मॉन्स्टर मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में रिलीज़ करने के बाद फिर से टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था मूवी के क्लिप्स और लोगों को इस मूवी की हिंदी प्रीमियर के लिए भी इंतजार था। हम आप सभी को बता दें ये एक थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी रहने के साथ साथ इस मूवी के अंदर आप सभी को लीड कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे होनी रोज, लक्ष्मी मांचू और सुधीर नायर जैसे एक्टर जो मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। 2021 की इस मूवी को IMDb पर भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली हुई है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क पर इस मूवी को देख पाओगे। हॉटस्टार नेटवर्क के साथ साथ काफ़ी सारे OTT प्रीमियर पर इस मूवी को रिलीज़ भी कर दिया जा चुका है और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्चेस और काफ़ी ज़्यादा इन मूवी के चर्चे रहने के रीज़न से हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज़ और इस तरह के जानरा की मूवी के प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाने लगे हैं और एक बेहतरीन मूवी आप कह सकती हो इस मूवी को देखकर। क्योंकि दोस्तों एक थ्रिलर मूवी को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी अच्छी बात रहती है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था। जब ये मूवी को प्रीमियर कर दिया उसके तुरंत बाद लोगों के बारे में अपडेट लेने लगे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार नेटवर्क में तब इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी देखने को मिला और यूट्यूब चैनल पर भी इन मूवीज़ को काफ़ी ज़्यादा वायरल कर दिया गया ताकि ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने लगी। और दोस्तों हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं इस मूवी को अभी तक नहीं देखी हो और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों इस टाइम आप सभी को ये काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग मूवी लगने वाली है। एक बेहतरीन सिनेमा की मूवी जिसके प्रीमियर के साथ साथ चर्चे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हो रखा था और लोग इस मूवी को अंडर एस्टिमेट किया गया था। IMDb पर उतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली हुई उसके बावजूद भी एक थ्रिलर मूवी होने के रीज़न से इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा सर्चेस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इस मूवी के ज़्यादा लंबे समय तक चर्चे देखने को भी मिल जाएगा। हिंदी में इस मूवी को December 2 पर रिलीज़ कर दिया गया था और दोस्तों आप सभी को बता दें इस मूवी को हिंदी में रिलीज़ करने के सबसे बड़े रीजंस की इस मूवी के हिंदी फैन ने काफ़ी लंबे समय तक इस मूवी को देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे और इस मूवी के अलावा मोहनलाल सर पिछले टाइम काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर लीड कास्टिंग काम कर चुके हैं, जिनमें से पुलीमागरम उनके स्टार्टिंग पे ही अच्छी मूवी बन चुकी है। 2020 की बिग ब्रदर और मास्टरपीस जैसी मूवी के अंदर उनको लीड कास्ट में देख चुके हैं और काफ़ी सारी मूवीज़ है जिनको ऑलरेडी हिंदी वर्जन में प्रीमियर में लेकर आ चुकी है और लोग एक्सपेक्ट नहीं करने के कि इतनी लो बजटेड मूवी और इतनी मूवी ने भी नेक्स्ट लेवल की कमाई कर रही है और नेक्स्ट लेवल की लोगों को पसंद भी आ रहा है और जिसको देखते हुए आप भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे और आप लोगों में से कनकन इस मूवी को देखना पसंद करते हो, इस तरह के जॉनरा की हिंदी प्रीमियर के लिए एक्साइटेड होते हो। तो दोस्तों आप सभी में ये सब वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी जिसकी हिंदी प्रीमियर के साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक चर्चे होने के रीज़न से
आप सभी को इस मूवी के रिलीज़ के बारे में हम आप सभी को जानकारी करवा रहे हैं। एक बेहतरीन मूवी के अलावा इनको 2018 की मूवी 2021 की मरकरन्स लाइन ऑफ द अरेवेंस मूवी और दृश्यम की दूसरी सिकल वो भी इन्होंने लीड कास्ट किया था। दृश्यम दोस्तों आप सभी को बताया अजय देवगन सर ने हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था, पर दोस्तों वो ओरिजिनली मोहनलाल सर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी रही थी, जिसके सिक्वल रिलीज के साथ साथ लोगों को ये मूवी देखना था और लोगों ने भी इंतज़ार किया था ये सब मूवी के हिंदी फिल्म के लिए। हम आप सभी को बता दें एक बेहतरीन मूवी उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब पर प्रीमियर कर दिया गया। उनकी काफ़ी सारी मूवी के सक्सेसफुल के रीज़न से लोग इस तरह की मूवी देखना पसंद कर रहे थे। हम आप सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहते हैं कि इस तरह की मूवी आप सभी को देखना पसंद है और इस तरह की हिंदी सिनेमा की मूवी के लिए आप चाहते हैं एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें बताइए बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी आप सभी के पास लेकर रिलीज़ में लेकर आना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा और ख़ास भी होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर #हैशटैग मोहनलाल हिंदी वर्जन मूवी लेके कमेंट करिए। एक मोस्टर बेहतरीन मूवी होने के सबसे बड़े रीजंस की मूवी की स्टोरी और इस मूवी की कहानी को देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों काफ़ी सारी मलयालम लैंग्वेज की मूवी रिलीज़ में आने वाली है, काफ़ी सारे अंडर एस्टिमेटेड कैरेक्टर्स और एक्टर्स मूवी के अंदर लीड कास्ट में दिखने को मिल जाएंगे, उसके बावजूद भी ये सब मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट में जाने वाली है और आप सभी को भी काफ़ी खास और एक्साइटिंग लग जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। हिंदी सिनेमा की मूवीज़ के अलावा आप सभी को मलयालम, तेलुगु, तमिल जैसी लैंग्वेज की मूवी ज़्यादा पसंद है या फिर नहीं, आप हमें बता सकते हो। इन दिनों हम आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी के हिंदी रिलीज और प्रीमियर के बारे में जानकारी करवाना चाहते हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी खास और एक्साइटिंग भी लगने वाला है। हॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज ऑलरेडी रिलीज में आ रही थी, जिसके प्रीमियर के साथ साथ लोगों को काफ़ी सारी नई अपडेट मिला और लोगों ने भी हमें ऑलरेडी बता चुके थे ये सब मूवी के रिलीज़ के लिए। और इसी दौरान आप सभी को हम बता चुके हैं ये सब मूवी हिंदी में रिलीज में लेके प्रीमियर में लेके आना, तो आप सभी को काफ़ी सारी मूवी देखने को ऑलरेडी मिल गया था और भी ज़्यादा एक्साइटेड मूवी आप सभी को देखना पसंद है। तो दोस्तों आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी देखने को भी मिलने वाला है, मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई काफ़ी सारी एक्साइटिंग मूवी और उन मूवीज़ के प्रीमियर के लिए आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो दोस्तों सबसे पहले 2020 के बिग ब्रदर और काफ़ी सारी मूवी है जो मोहनलाल सर ने एज एक्शन एक्टर में अवतार में वो नज़र आ चुकी है। साथ ही साथ मोहनलाल सर की काफ़ी सारी हिंदी सिनेमा के फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों उनके ऑलमोस्ट मलयालम लैंग्वेज की काफ़ी सारी मूवीज़ को हिंदी वर्जन में डब करके रिलीज़ में लेकर आ चुकी है, जिसके रीज़न से ही उनकी किरदार और प्रीमियर के बारे में लोग चर्चे काफ़ी लंबे समय तक कर रखे थे। और आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों आप सभी को इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। रिलीज़ के साथ साथ काफ़ी सारे एक्साइटिंग सिनेमा की मूवी और वो सब मूवी के रिलीज़ अपडेट के बारे में आप सभी का हम जानकारी कराएंगे। आप लोगों ने हमें बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी जानरा की मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, क्योंकि दोस्तों थ्रिलर मूवी पिछले लंबे समय तक मोहनलाल एज लीड कास्ट काम कर चुके हैं और साथ ही साथ उनकी कास्टिंग पर बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को लोगों ने अभी भी पसंद करते हैं। और हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि उनकी लीड कास्ट में बनी हुई काफ़ी सारी मूवीज़ को अभी भी लोगों ने हिंदी में देखना पसंद कर रहे थे, जिसके रीज़न से आप सभी को इस टाइम ये सब मूवी प्रीमियर में भी लेकर आ चुके थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और बताइए इन दिनों इस तरह के मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि दोस्तों ये सब मूवीज़ के अलावा हिंदी सिनेमा पर रिलीज़ हुई काफ़ी सारी मूवी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। और पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा मूवी साउथ इंडस्ट्री की मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तेज़ी से पसंद कर रहे थे और वो मूवी को लोगों ने पसंद किया था, जिसके रीज़न से आप सभी को स्पीड के अंदर भी ये सब मूवी के रिलीज़ और कहानी के बारे में हम जानकारी करवाने वाले हैं। तो दोस्तों #हैशटैग मोन्स्टर हिंदी डब फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। साल 2022 में रिलीज हुई मोहनलाल सर की एक बेहतरीन मलयालम लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी मॉन्स्टर हिंदी वर्जन में देखने के लिए एक्साइटेड हो, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है मोहनलाल सर की इस मूवी को लेकर और पिछले टाइम लोगों ने भी कमेंट करके पूछ रहे थे हमें ये मूवी की हिंदी प्रीमियर देखने के लिए। जैसे कि आप सभी को हम इस मूवी के प्रीमियर और रिलीज के बारे में अपडेट देना पसंद करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें मूवी के अंदर लीड कास्ट में मोहनलाल के साथ होनी रोज
लक्ष्मी मंशु, शदीप नेर और स्वस्तिका जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। 4.4 की रेटिंग मिली हुई थी इस मूवी को। एक एक्शन मूवी को विकेश डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। 21 अक्टूबर पर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया था। एक बेहतरीन मूवी आप सभी कह सकते हो। डायरेक्टर अश्विन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर ने भी इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करके काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी खासी मूवी प्रीमियर में लेकर आ चुके थे। आप लोगों में से कौन कौन इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो, इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए इंतजार कर रहे थे? तो दोस्तों फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है। पिछले टाइम सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये मूवी वायरल होने के रीज़न से आप सभी को इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के बारे में अपडेट हम देने लगे हैं और आप सभी को भी ये मूवी काफ़ी खासकर एक्साइटिंग लगने वाला है। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिए।